Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimaru Movies. अरे छोटे और बड़े का अब तो हुआ पुराना किस्सा, अरे दुनिया की जागीर है सबका एक बराबर हिस्सा। एक पड़ोसी रात को सोए और दूसरा रोए, एक पड़ोसी रात को सोए और दूसरा रोए, तो इंसाफ कहाँ का है ये, इंसाफ कहाँ का है ये, इंसाफ कहाँ का है। अरे कहो अगर इंसान किसी की राह में कांटे बोए, कहो अगर इंसान किसी की राह में कांटे बोए, तो इंसाफ कहाँ का है ये, इंसाफ कहाँ का है ये, इंसाफ कहाँ का है। बनाया मालिक ने सबके लिए है चांद सितारों को, बनाया मालिक ने सबके लिए है चांद सितारों को, तो फिर क्या हक है, तो फिर क्या हक है बंदे को करे तकसीम बहारों को, करे तकसीम बहारों को। सबके बाग बगीचे पर जब एक का कब्जा होए, सबके बाग बगीचे पर जब एक का कब्जा होए, तो इंसाफ कहाँ का है ये, इंसाफ कहाँ का है ये, इंसाफ कहाँ का है। Thank you.
करने का यह इंसान की नादानी। बना है सांप खजाने का यह इंसान की नादानी। बताओ कितना खा लेगा, बताओ कितना खा लेगा ये दाना और हवा पानी, ये दाना और हवा पानी। अरे पैसे जैसी चीज के खातिर कोई शराफत खोए, पैसे जैसी चीज के खातिर कोई शराफत खोए। तो इंसाफ कहाँ का है, ये इंसाफ कहाँ का है, ये इंसाफ कहाँ का है। एक पड़ोसी रात को सोए और दूसरा रोए, तो इंसाफ कहाँ का है, ये इंसाफ कहाँ का है, ये इंसाफ कहाँ का है। सभी एक डाल के पंछी हैं, सभी का एक ठिकाना है। सभी एक डाल के पंछी हैं, सभी का एक ठिकाना है। लगाओ एक साथ, लगाओ एक साथ नारा कि ये जनता का जमाना है, ये जनता का जमाना है। कोई किसी का बीज चुरा कर अपनी खेती बोए, कोई किसी का बीज चुरा कर अपनी खेती बोए। तो इंसाफ कहाँ का है, ये इंसाफ कहाँ का है, ये इंसाफ कहाँ का है। एक पड़ोसी रात को सोए और दूसरा रोए, तो इंसाफ कहाँ का है, ये इंसाफ कहाँ का है, ये इंसाफ कहाँ का है। भैया क्या है दुर्गा बहन, देख रहे हो? ओ हाँ, देख रहा हूँ। देख रहा हूँ। छोटे तुम फिर यहाँ हो? तो और कहाँ जाऊँ? छोटे छोटे तुम्हें कई बार कहा है कि जागीरदारों के लड़के घर के नौकरों के साथ नहीं खेला करते। हाँ भाई वो तो क्या कहा? तो और किसके साथ खेलूं फूफी, हर इलाके में जागीरदार तो एक ही होता है। तुम एक काम करो, मेरे लिए कुछ लड़के दूसरी जागीर से किराए। चुप रहो। देखा अपने लाडले को, जबान छुरी की धार हो रही। तुम्हारा लाडदार उसे कहीं का ना रखेगा, डांटते भी तो नहीं उसको। डांटता हूँ डांटता हूँ। किशोर जी। पिताजी खबरदार जो तूने कभी अपनी फूफी की हुक्म अदूली की। लेकिन पिताजी मैं तो सदा इन्हीं का हुक्म बजा लाता हूँ। आप फूफी से सिर्फ इतना कह दीजिए कि अब जनता जाग रही है, जरा गला दबाकर हुक्म दिया करे। हाँ तू ठीक कहता है दुर्गा बहन, तू जरा गला दबाकर हुक्म दिया। भैया तुम मुझे समझाने चले हो? नहीं ये कैसे हो सकता है दुर्गा बहन, मैं तो किशोर को ही समझा रहा था। किशोर जी। पिताजी चलो यहाँ से। मुंह क्या देख रहे हो, चलो चलो। अरे वापस क्यों आ गए? फूफी पहले आप, फरमाबरदार बेटे हमेशा बुजुर्गों के पीछे ही चला करते थे। शाबाश शाबाश दुर्गा बहन, कुछ भी कहो लड़के की आंख में शर्म है, कभी कभार जवानी के जोश में आकर बहक जाता है, इसमें इसका क्या कसूर, आखिर जवानी है। पिताजी जवानी दीवानी है। पग पग ठोकर। भैया क्या मजाक है, मुझे डर है कहीं ये दीवाना ना हो जाए। भैया आप इसे संभालिए, मैं डीएसपी और कलेक्टर साहब के स्वागत का इंतजाम करती हूँ। पिताजी मैं सच कहता हूँ, अगर फूफी औरत की जगह मर्द होती तो एक दिन जरूर कलेक्टर बन जाती। अब कौन से कलेक्टर से कम है। गुड इवनिंग बॉय, गुड इवनिंग। ए कौन मर गया? भूख मर गई। भूख
परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। और तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी सी याद, कितना तुम कितने वर्षों से मेरे साथ काम कर रहे हो? यही कोई 3 बरस से बात। और 3 साल से फाके काट रहे हो? नहीं बास, ये पहला ही मौका है। तो फिर बकवास क्यों कर रहे हो? अब बास, मैं आपकी मजबूरियां समझता हूँ, मगर ये लोग तो यही समझते हैं कि आप बेलापुर जागीरदार के भांचे हैं और सारी जागीर का इंतजाम आपकी माताजी के हाथ में है, फिर आपको रुपए की क्या कमी? मैं जागीरदार का भांजा जरूर, मगर वहां से मुझे बड़ी मुश्किल से 700 रुपए महीने का अलाउंस मिलता है, और वो भी मेरे मामू की मेहरबानी। अगर मेरी माताजी का बस चले तो 700 के बदले 250 कर दें। हीरा कहाँ है? वो तो आप ही के पास गया है बास। ओ, तो उसे आने दो, मेरा ख्याल है आज सुनहरी चिड़िया आ रही है। भैया देखा तुमने, आज हाकिमों के सामने छोटे ने किस छिजोरपन से काम लिया। आखिर ये कब समझेगा कि जागीरदार का ये इकलौता बेटा है? एक दिन इतनी बड़ी जागीर का सारा बोझ इसके सर पड़ेगा। चिपका फूफी, पिताजी 1000 बरस सलामत रहे, मुझे इस बोझ की क्या चिंता है? तो तुम बुढ़ापे में भी पिताजी का हाथ नहीं बटाओगे? बोल बोलूं? तो फिर आप किस मर्द की दवा है? छोटे मैं चुप हूँ। भैया बहन तुम भी जाने दो ना, अभी बच्चा है, समझते समझते समझ जाएगा। मालिक ये भी चिपका। अरे तुम असल दवा रहे। भैया मैं कहती हूँ ये कुछ नहीं समझेगा, मैं इसे राज के पास बॉम्बे भेज दूँ। बम्बई? बहुत अच्छा करोगे फूफी, वहाँ जाकर मैं किसी फिल्म कंपनी में हीरोइन बन जाऊंगा। आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के। छोटे वो तो मैं देखूंगी कि तू क्या बनता है। भैया ये गाँव में रहकर कुछ नहीं सीखने वाला, कम से कम राज के पास रहकर शहर का रहन सहन बोलचाल का ढंग तो सीखेगा। माँ जी ये चिपका, देखना राज इसे 10-15 दिन में आदमी बना के रख देगा। आप बोल। बोलू फूफी, गधे को कितना भी साबुन मलो वो कभी गाय नहीं बनने वाला, कभी गाय नहीं बनने वाला। जियो बेटा जियो, शाबाश, ये बात ठीक कही है तुमने। भैया मैं चुप हूँ। अरे दबा दबा दबा। तुम ग्रेस टेलर्स को तो जानते ही होगे। जी हाँ। वहाँ मेरा एक नया सूट सिलकर तैयार पड़ा है, किसी तरह उसके मालिक बरकत अली को समझा बुझाकर मेरा वो सूट ले आओ। लेकिन बस कहाँ है? अरे अगर पैसा होता तो मैं खुद जाकर ना ले आता। कल निर्मला के चचा चमनलाल लखपति की सालगिरह है, निर्मला का नाच भी होगा, कम अज कम अपनी महबूबा के सामने मुझे नया सूट पहनकर तो जाना चाहिए। बस गुस्ताखी माफ। निर्मला की मोहब्बत में सूट तो आपने सैकड़ों सुलवाए और फेंक दिए, लेकिन अभी तक शादी का जोड़ा सिलने की नौबत नहीं आई। हीरा तुम अभी तक बच्चे, मेरी रस्सी की ढील जरा लंबी होती है। इधर आ। तो समझे? ये क्या है बस? चेकबुक। चेकबुक? इतनी बड़ी चेकबुक? ये कौन से बैंक की है? मेरे बैंक राज बैंक अनलिमिटेड। हीरा यही है अली बाबा का खजाना। खजाना? देख रहे हो हीरे, ये नैन, ये नक्श, ये अदा, ये हया, एक तो खूबसूरत नागिन और दूसरे अपने बाप की छोड़ी हुई दौलत की मालकिन, दो दो खूबसूरत बलाओं को बस में करना है हीरे, समझे? नाम जानते हो? निर्मला। अरे हाय। बैठो बेटा।
होगी सुनवाई छलिया, कैसी होगी सुनवाई छलिया, चल चल रे कन्हाई 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 छलिया, मैं तो ना दूंगी ना दूंगी ना दूंगी रे, मैं तो ना दूंगी अब तोरी ये मुरलिया, चल चल रे कन्हाई छलिया। बाबू के हाथ में दिया जाने वाला है। आप बेटी निर्मला, आप, हम जानते हैं कि आज तुम्हारा नाच इतना दिलचस्प रहा। मतलब ये कि आज तुमने जो कुछ भी किया हमारे लिए नहीं, राजबाबू के लिए। सोहन चाचा। अरे बेटा शर्मा गई, हम सब समझ गए। अच्छा बेटा मन, अब हमें इजाजत दो। अरे भाई इतनी जल्दी भी नहीं भाई, राजबाबू और निर्मला बेटी हमें दिल ही दिल में कोस रहे होंगे। अच्छा भाई नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते राजबाबू। अच्छा बेटी, अपने सोहन लाल जी बड़े जिंदा दिल आदमी हैं। यकीनन, ऐसे आदमी से मिलकर तबीयत शाद हो जाती है। अच्छा तो निर्मल, कल शाम को मुलाकात हो। सॉरी राजबाबू, कल शाम तो कॉलेज ड्रामा की रिहर्सल है। अरे बेटा तो रिहर्सल परसों रख लेना। बहुत मुश्किल है चाचा जी। जी कोई बात नहीं, मैं परसों हाजिर हो जाऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। बाय निर्मल। बाय। अरे हाँ राजबाबू, अपनी माता जी को खत लिखना ना। जी ये भी कोई भूलने की बात। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। क्या है बेटा? चाचा जी आखिर मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है आप? अरे पगली, राज जैसा अच्छा और खानदानी लड़का तो किस्मत से ही मिलता है। जब इतना अच्छा मौका हाथ आया है तो उसे खो देना नादानी होगी। चाचा जी दुनिया भर की सब बातों में तो आप आजाद ख्याल हैं, लेकिन मेरी शादी के बारे में आप मुझे आजादी नहीं देना चाहते। ऐसा क्यों? बिटिया तुम्हारे भले बुरे का जितना मुझे ख्याल होगा और किसी को हो सकता है भला? क्या राष्ट्र में पसंद नहीं? पसंद का इसमें क्या सवाल है? मैं जानती हूँ
अब आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। आप जल्दी से मेरे हाथ पीले करके मुझे यहाँ से भेजना चाहते है ना, यही बात? नटखट कहेगी, अभी तो ये कह रही है और शादी होने के बाद इस घर में आने का नाम तक नहीं लेगी। चाचा जी। लेकिन तुम हो क्या आज तक मेरे पिताजी से मिले तक नहीं? लेकिन पिताजी की बेटी से तो रोज मिलता हूँ। हटो, बड़े आए पृथ्वीराज कहीं के। संजोगता का पृथ्वीराज न सही, अपनी कामनी का किशोर तो हूँ। बातें मत बनाओ, कहो तुम मेरे पिताजी से कब मिल रहे हो? पिताजी से शादी के रोज तो उनसे मुलाकात हो ही जाएगी। और शादी उनसे पूछे बगैर हो जाएगी। हाँ। कम से कम वो तुम्हारी सूरत तो देखें। इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपनी फोटो दे रखी है। लेकिन फोटो बोल तो नहीं सकती। बोलो ना, हमारे घर कब आ रहे? इतनी जिद करती हो तो अगले इतवार को जरूर आ जाऊंगा। पिछले 6 महीनों में 24 इतवार आए और 24 वादे तुमने किए। अब की अगर ना आए तो पिताजी को लेके सीधी तुम्हारे घर आ जाऊंगी। मंजूर। वो तुमसे मिलने के लिए कितनी बार मुझसे कह चुके हैं। तुम्हारे घर का पता क्या है? जरूर पूछना चाहती हूँ। हर्ची क्या है? तो लिखो, पेन निकालो। गली दिल की, मोहल्ला प्यार का और घर तमन्ना का, जहाँ देखो समझ लो बस वहीं अपना ठिकाना। ये क्या मजाक हुआ, असली पता बताओ ना। असली पता तो यही, खैर नकली भी लिखो। लिखा राज, मेरा मतलब है राजमहल। राजमहल है राजनारायण रोड, राजपोंकली, बॉम्बे, और नाम तो तुम जानती हो, तुम्हारा किशोर। ये आप क्या कर रहे हैं? बड़ी भोली बनती हो, ये होटल है सराय नहीं। छोड़िए मेरा बैग, एक औरत को परेशान करते हुए शर्म नहीं आती आपको? एक आप देसी औरत की जबान से शर्म का लफ्ज अच्छा नहीं लगता। तुम 3 दिन का किराया दे दो और अपना बैग ले जाओ। लेकिन मेरे पास इस वक्त किराया नहीं, जिस आदमी के साथ मैं यहाँ आई थी वो मुझे धोखा देकर चला गया है। हम ये कुछ नहीं जानते। मैं कसम खाती हूँ घर पहुँचते ही आपको रुपया मनी ऑर्डर कर दूंगी। आप मेरा पता लिख सकते हैं? बेहया का और पता, आज इस होटल में कल उस बाजार में, लाइए रुपया वरना। ए मिस्टर, क्या मामला है? आप कौन? मेरा नाम अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जी, लेकिन आप इस बेचारी को क्यों परेशान कर रहे हैं? साहब सूरत से तो बेचारी है मगर पेशे से बेहया। 3 रोज हुए इस होटल में किसी मर्द के साथ आई थी, खूब गुलछर्रे उड़ाए और आज किराया दिए बगैर रफू चक्कर हो रही। जी 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 जी, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि ये बेचारी किसी धोखेबाज मर्द की शिकार है? इसमें इसका क्या कसूर? आप इसका बिल मेरे हिसाब में डाल दीजिए। आपका हिसाब? आपका हिसाब कैसा? ठहरिए ठहरिए, ये राज साहब के मेहमान हैं, उन्हीं के कमरे में ठहर रहे हैं। बेलापुर के जागीरदार साहब के लड़के हैं। लड़के? सलाम साहब। सलाम। ओ, बेलापुर के जागीरदार साहब, माफ कीजिएगा बड़ी गलती हुई। हाँ भाई वो तो होता ही है। जी मुन्नी देवी, आपका हिसाब साफ हो गया, आप जा सकते हैं। और देखिए इनके लिए एक टैक्सी का इंतजाम कर दीजिए। बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते। ओ आप, शायद घर जाने के लिए किराए की जरूरत है। जी नहीं, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ। इतने बड़े आदमी होकर भी आपने मुझ जैसी गिरी हुई औरत का साथ दिया। हाँ भाई वो तो होता ही है, कौन सा कमाल किया है मैंने, आखिर आदमी ही आदमी के काम आता है। लेकिन आप जैसा हमदर्द में तो देखा कोई ना था। आपने आज मुझे बहुत बड़ी बदनामी से बचाया है, इस एहसान का बदला मैं कभी ना चुका सकूंगी। बदला चुकाने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप दिल से शर्मसार हैं तो आज से ये शर्मनाक जिंदगी छोड़कर फाखों से प्यार कीजिए। पेट की भूख बहुत जालिम होती है लेकिन इस भूख की कीमत औरत की इज्जत नहीं हो सकती। आज से नए रास्ते पर चलने की कोशिश करो बहन। बहन? बहन? आपने मुझे बहन कहा, मैं आपको वचन देती हूँ आज से मैं इस लश्क की लाज रखूंगी, अपना लहू पी लूंगी, फाखे करूंगी, लेकिन अपने शरीर को नीलाम न करूंगी। अपने शरीर को नीलाम न करूंगी भैया। किशोर। हाँ। कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। बाहर आओ। अरे कहाँ थे भैया जी, तुम्हारा इंतजार करते करते तो बाल सफेद हो गए। किशोर। हाँ भैया जी। तुम्हारे बाल नहीं बल्कि खून सफेद हो गया।
तुमने शहर नहीं आते हमारे मामा जी का नाम रोशन करना शुरू कर दिया। हाँ भाई वो तो होता ही है। क्या? लेकिन भैया जी इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? क्या किया मैंने? पूछते हो क्या किया है? तुमने उस बाजारी औरत को मुंह क्यों लगाया? उसका बिल क्यों अदा किया? नीचे जाकर देखो सारा होटल मेरा मजाक उड़ा रहा है। आखिर इज्जत तो मेरी गई। क्या लगती थी वो लड़की तुम्हारी? मेरी बहन लगती थी। क्या कहा? मेरी नहीं तो तुम्हारी सही। किशोर, अरे भैया जी एक दुखी औरत की मदद की है, चोरी तो नहीं की है, डाका तो नहीं डाला, बल्कि मैं तो ये समझा था कि शायद तुम ही उस औरत को यहाँ छोड़कर कहीं गुम हो गए हो। किशोर, हाँ भैया जी। किशोर, जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया? गुरु दीक्षा के लिए। गोपी ने कहा था छोटे राज भैया से अच्छी तरह शहर का रंग ढंग सीख कर गाँव लौटना। हाँ छोड़ो, तुम क्या सीखोगे? क्यों भैया, कोई गधा तो नहीं हूं मैं, आदमी हूँ। तुम जैसा गुरु सिखाए और मैं ना सीखूं, हद करते हो भैया जी। तो फिर सुनो, ये शहर। हाँ शहर है। और तुम एक बहुत बड़े जागीरदार के बेटे हो। जागीरदार के बेटे हो। तुम्हारा रहन सहन बातचीत का तरीका सब एक जागीरदार की तरह होना चाहिए। होना चाहिए। और फिर तुम्हें छोटे आदमी को तो बिल्कुल मुंह नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल मुंह नहीं लगाना चाहिए। लेकिन भैया मैं कब उनके मुंह लगता हूँ? मैं तो उन्हें गले लगाता हूँ। देखो किशोर, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आज से जो मैं करूँ वो तुम करो। वही करूंगा। मैं अगर दाएं चलूँ तुम दाएं चलो। दाएं। मैं अगर बाएं चलूँ तुम बाएं चलो। बाएं। और भैया जी, हाँ। जी अगर तुम उल्टा लटक जाओ तो तुम भी उल्टे लटक जाओ। समझ गया, जैसा गुरु वैसा चेला। ये लो। हाँ भाई वो तो होता ही है। फिर से आज से मैं कसम खाता हूं कि पूरी पूरी तुम्हारी नकल करूंगा और हर वक्त साय की तरह तुम्हारे साथ लगा रहूंगा। तो बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? किशोर। हाँ भैया जी। सीधे हो जाओ। तो बताओ गुरुदेव, अब सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? पहले गुसलखाने में जाकर अपने चेहरे से गांव की धूल धोकर शहर का पाउडर लगाओ। लगाओ। और फिर कपड़े बदल डालो। बदल डालो। वो देखो मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े बनवाए हैं। बनवाए हैं? गुसलखाना इधर है। है। बॉस। कौन है? हीरा। हीरा, क्या बात है? जल्दी बाहर आ जाओ। क्या है? जल्दी चलिए, चिड़िया आ गई। अरे वाह रे वाह, कल तक बेलापुर में दरख्त से फल टपकते तो देखा था, लेकिन आज बंबई शहर में लड़की टपकती पहली बार देखी। शर्म नहीं आती आपको? किसी की मुसीबत पर हंसना कहाँ की शराफत है। हाँ भाई सॉरी बहन जी, आप फिर चढ़िए, मैं वादा करता हूँ कभी नहीं हंसूंगा। कॉलेज है क्या? लड़की लोग पढ़ता है। अरे वो इसे लगी शाम रे
की धड़कन बढ़ी हर कदम पर डरी भूल जाऊं कहीं मैं बदनाम रे सांवरिया में खड़ी रहूं कि चली जाऊं रे तू न आया और होने लगी शाम रे सांवरिया में खड़ी रहूं कि चली जाऊं रे बालम, मैं तो आपके इंतजार में सूख सूख कर कांटा हो चली थी। झूठी कही की, गुलाब के फूल जैसी तो लग रही हो। बोलो बोलो, अगला डायलॉग बोलो। भूल गई, पर्दा। क्या नाम है तुम्हारा? किशोर कुमार, खंडवा सिटी, बॉम्बे बाजार रोड, गांजा गोदाम के सामने, बैलगाड़ी के पास, खंबे के नजदीक, जिस पे लिखा है डोंगरे का बाला मिल, लाइब्रेरी के राइट हैंड पे हजारपति। मैं पूछती हूँ, तुमने हमारे प्रोग्राम का सत्यानाश क्यों किया? तुम्हें बगैर इजाजत अंदर किसने आने दिया? अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का हो जाए तो कुछ अर्ज करूं। धन्यवाद। पहले आप इस बात का यकीन कर लीजिए कि मैं एक शरीफ और खानदानी लड़का हूं। उसके बाद अर्ज ये है बोलो। अर्ज ये है, क्या मतलब? मैं कॉलेज की दीवार के पास खड़ा हुआ था, इतने में एक लड़की? हाँ, लड़की दीवार फाँद कर अंदर जा रही थी। कौन लड़की थी वो, जानते हो तुम? जानता ही नहीं, पहचानता भी हूँ। कहाँ है वो? अभी तो ये यही थी। कौन है वो? ये क्या? नहीं, माफ करना। ये है। मैं? नहीं, ये भी नहीं। नहीं, ये बेचारी मरियल सी दीवार क्या फाटेगी, घर जाने भी दीजिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है, उस लड़की को फांते देखकर मुझे भी उबाल आ गया और मैं सड़क से कूदकर दीवार पर और दीवार से कूदकर जमीन पर और जमीन से कूदकर दरख्त पर और दरख्त से कूद कर मालूम होता है तुम्हारे दिमाग का कोई पुर्जा ढीला है। हाँ भाई, वो तो खैर, पुलिस खुद बहुत दुरुस्त कर लेगी। क्या नाम बताया था तुमने? किशोर कुमार, KISS किस है? HORUMMMR, स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिए। बाप का क्या नाम है? श्रीमान हसमुख लाल, जागीरदार ऑफ बेलापुर। बेलापुर? तुम बेलापुर के जागीरदार के बेटे हो? जी हाँ, इसकी भी कोई सजा मिलेगी? शुक्र करो कि बच गए। धन्य हो। तुम्हारे पिताजी ने हमारे कॉलेज फंड में 1,00,000 रुपया दान दिया है। मैं नहीं चाहती कि उनकी कोई बदनामी, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारी हरकतों से जरूर आगाह कर दूंगी। अब तुम जा सकते हो। हजार हजार शुक्रिया। देखिए, जब आप मेरे पिताजी को खत लिखी रही हैं, तो जरा ये भी लिख दीजिए कि मैं यहाँ खैरियत से हूँ,
बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरे 3 पैसे बच जाएंगे। क्या है? क्या है? चिट्ठी। ओ चिट्ठी, और जरूर मेरे किशोर की चिट्ठी होगी। है मालिक मालिक, क्या कोई बहुत बड़ी खुशखबरी है? अरे मुंशी, मुबारक दो, मुबारक। मगर किस बात की हुजूर? अरे अपना बेटा जवान हो गया है। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे शहर में जाकर शहर की लड़कियों ने छेड़छाड़ करने लगी है। आज सवेरे सवेरे ये जवानी के गुण क्या गा रहे हैं? और ऐसे मालिश करवा रहा था बहन। ये चिट्ठी किसकी? चिट्ठी भैया, बहन ये है सिटी गर्ल्स कॉलेज की बड़ी उस्तानी की। क्या कुछ और दान मांगा है? दान तो नहीं मांगा, लेकिन शिकायत लिख भेजी है। शिकायत? हाँ। शिकायत किसकी? किशोर की। किशोर की? तो शहर जाते ही छोटे ने खानदान की नाक कटवा दी। अच्छा हुआ कि इस कॉलेज में हमने दान दे रखा है, वरना वो लोग छोटे को पुलिस के हवाले कर देते। बहन, पुलिस के हवाले करें या मिलिट्री के, खानदान की नाक तो कट गई। मैं तो कहती हूँ अब लड़के का शहर में ठहरना एक दिन भी मुनासिब नहीं। ये सच कहती हो बहन तुम। अगर वो 2-4 दिन भी और वहाँ ठहर गया ना, तो शहर की तमाम लड़कियों के कॉलेज बंद हो जाएंगे। बहन, मैं तुमसे पहले ही कहता था कि उसे वहाँ ना भेजो, वो भी मासूम है, शहर की हवा लग जाएगी और कुछ ना कुछ कर बैठेगा। लेकिन मैंने उसे शहर में आदमी बनने के लिए भेजा था, दीवारें फाड़ने के लिए नहीं। बहन, जो यहाँ गधे हैं वो शहर में भी गधे हैं। मैं अभी राज को चिट्ठी लिखकर जवाब तलब करती हूँ, आखिर जिम्मेवारी तो राज की है। मम्मी का खत आया। गोपी का खत? क्या लिखा है भैया जी? क्या लिखा? गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन ने मामा जी को तुम्हारी शिकायत लिखी है और मम्मी ने तुम्हारी हरकतों का जिम्मेदार मुझे ठहराया। हाँ भाई, वो तो होता ही है। क्या होता है भैया जी? फूफी है बड़ी अकलमंद, आखिर कसूर तो तुम्हारा ही है। मेरा? हाँ। वो कैसे? उस दिन ना तुम मुझे होटल में अकेला छोड़कर जाते और ना मैं कमरे से बाहर निकलता, ना लड़कियों के हॉस्टल की तरफ जाता और ना ये शिकायत आती। दो जवाब। किशोर, तुम टैं टैं करना छोड़ दो। छोड़ दो। होटल में कदम रखते ही उस आवारा औरत का साथ देकर तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। मिला दी। और उसी रोज गर्ल्स हॉस्टल में जबरदस्ती घुसकर तुम अपने बाप दादा की नाक कटवाने पर तैयार हो गए। भैया जी, भैया जी, तुम तो टेंशन से इस तरह छूटते हो कि फिर कहीं ब्रेक लगाने का नाम ही नहीं लेते। मैं सच कहता हूँ, अगर तुम उस लड़की को देख लो जिसे मैंने हॉस्टल में देखा था, तो बाप दादा क्या, तुम अपनी नाक कटवाने पर तैयार हो जाओ। अबे छोड़, ऐसी कौन सी सब्ज परी है वो? जबान क्या बताएगी, मेरी आंखों से पूछो। ऐसी सूरत है जिसे देखते ही फ्रेम करवा कर दीवार पर लटकाने को जी चाहता है। भैया जी, वो लड़की नहीं, संगमरमर की मूरत है। मिस्टर शाहजहां उसे देख लेते तो कभी ताजमहल होटल न बनवाते, कभी न बनवाते। मेरे ख्याल में तुमने जिंदगी में पहली बार कोई लड़की देखी है। मुन्ना, कहीं भूले से मेरी निर्मला को देख लेते तो आज हॉस्पिटल में पड़े होते। खाक डालो निर्मला पर। ईश्वर, भैया जी, और अगर तुम मेरे ख्वाबों की हूर को देख लेते तो आज कब्रिस्तान में पड़े होते। लड़की न हुई, यमदूत की भतीजी हुई। भैया जी, किशोर, अगर तेरे ख्वाबों की हूर मेरी निर्मला के बराबर खड़ी हो जाए तो ऐसा मालूम हो जैसे फ्रंटियर मेल के पहलू में साइकिल खड़ा हो। भैया जी, किशोर, और अगर तुम्हारी निर्मला मेरी 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 क्या गुमनाम परी के सामने आ जाए तो यूं लगे जैसे हवाई जहाज के सामने सामने क्या कौवा उड़ रहा हो। काश मैं उसका नाम और पता जानता तो तुम्हें अभी चलकर बेहोश किया देता। पते की कोई जरूरत नहीं, चलो आज तुम्हें अपनी निर्मला दिखा ही दो। पहली झलक में आंखें ना चुंदी आ गई तो राज नाम नहीं। ये बात है? तो चलो आओ। भैया जी, मकान तो बहुत अच्छा है, मकान वाली इससे भी बढ़ चढ़ के है। आओ, देखकर फैसला करेंगे। चलो देख, देख, देख। टेबल के ऊपर से कभी नहीं, हटो पीछे, हटो इधर से। चलो चलो, बैठो बैठो। अरे, ये तो वही लड़की है, वही लड़की। हेलो हेलो। ओ हेलो, इधर उधर। कैसी हो निर्मला? अच्छी हूँ। ओ तो आप है निर्मला देवी, मेरी तरफ से भी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
सरोज आपकी बहुत तारीफ कर रही थी, बड़े आड़े वक्त पर आप उसके काम आए। हाँ भाई वो तो मैं अभी चाचा जी को लेकर आई, आप तशरीफ रखिए ना। भैया जी, ओ भैया जी, क्या है? हम तो खानों को आपस में सरफोड़ी करते रहे। सरफोड़ी कैसी? मेरा मतलब है तुम्हारी फ्रंटियर मेल और मेरा हवाई जहाज तो एक ही निकले। क्या मतलब? मैं तो इसी लड़की की तारीफ कर रहा था। इसी लड़की की? हाँ हाँ। तुम्हारी इस लड़की की मुलाकात कहाँ से हुई? हॉस्टल में। और कहा? ये बात है, याद रखो किशोर, आइंदा इस लड़की का नाम मेरे सामने इज्जत से लिया करो। लिया करो। हेलो राज, हाउ आर यू सर? फाइन थैंक यू। आपकी तारीफ? ये हमारे मामा जी के इकलौते बेटे किशोर बाबू। किशोर बाबू? किशोर बाबू, बेलापुर के जागीरदार? नहीं 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 नहीं, छोटे जागीरदार। भगवान की दया से पिताजी अभी जिंदा है। मेरा भी यही मतलब था, तुम गलत समझ बैठे। हाँ भाई वो तो। बैठो बैठो बैठो। राज तुम भी बैठो। किस कॉलेज में पढ़ते हो? राज कॉलेज। राज कॉलेज, ये कहाँ हुआ? आपके सामने मौजूद है। दरअसल पिताजी ने मुझे दुनियादारी सीखने के लिए राज बाबू के जिम्मे सौंपा है। वैसे तो मेरी तालीम मैट्रिक तक है। मैट्रिक तक की तालीम भी काफी होती है। जी हाँ जी हाँ, अगर मैट्रिक पास हो तो ना। तो मैट्रिक पास भी नहीं हो? भगवान की दया से। चलो क्या हुआ, जागीरदार के लड़के हो, तुम्हें कोई मुलाजमत तो करनी नहीं। हाँ राज, मैंने तुम्हारे मामा जी को तुम्हारी शादी के बारे में लिख दिया है। जी मैंने भी खत लिख दिया है। उम्मीद है कि मामा जी और माता जी इस हफ्ते के आखिर तक यहाँ आ जाएंगे। बहुत खूब बहुत खूब। आओ बिटिया निर्मला आओ, आज हमारे घर में एक बहुत बड़ा मेहमान आया है। मैं इन्हें पहले से जानती हूँ चाचा जी, एक दिन हॉस्टल में इनसे मुलाकात हुई। हॉस्टल में? जी। लेकिन लड़कियों के हॉस्टल में इनका क्या काम? ओह याद आया, इनके पिताजी ने इस हॉस्टल को एक बड़ी रकम दान दी है। जी मैं हॉस्टल में दान लेने गया था। हमें अभी इजाजत दीजिए, किशोर को एक जरूरी काम से बाजार जाना है। कौन सा बाजार भैया जी? भिंडी बाजार। बात दरअसल ये है कि शहर में नया नया आया है, गली कूचों के नाम से नहीं बात। आओ किशोर। चलो भैया जी, मैं तो भूल ही गया था। लेकिन किशोर बाबू आप तो ये पीना भी भूल गए हैं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था। तो पीजिए ना। ओ हाँ। अच्छा नमस्ते। नमस्ते, क्यों क्या हुआ? कहाँ गया? क्या यही तो रखा था। क्या रखा था? क्या कोई चीज गुम हो गई है? जी हाँ, मेरे हाथ में बाजा था। बाजा? बाजा। कैसा बाजा? ओ ये रहा। ओ धन्यवाद। दरअसल मुझे गाने बजाने का बहुत शौक है। ये तो अच्छा शौक है। जी हाँ, खानदानी शौक है। मेरे पिताजी भी गाने बजाने पर जान देते हैं। अच्छा? दिन भर में जब तक दो चार हारमोनियम तोड़ न ले उन्हें खाना हजम नहीं होता। अरे आपका बाजा। ओ, नमस्ते। 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 अरे मुंशी जी, जी जल्दी करो ना, बंबई में पाँव रखते ही बुरा शगुन हुआ। बदतमीज कही की, आंखें होते हुए अंधों जैसी हरकतें। क्या हुआ जी? देखती नहीं मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। माफ कीजिए, इसमें मेरा क्या कसूर है? सड़क पर कीचड़? नहीं, तो इसका यह मतलब नहीं कि सड़क से कीचड़ उछाल कर मेरे कपड़े खराब कर दो। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी वेरी, मैं कुछ नहीं जानती। एक तो लड़की होकर लड़कों जैसी हरकतें, ऊपर से अंग्रेजी झाड़ रही। अरे वाह। देखिए जी, मैंने पहले ही आपसे माफी मांगी है, फिर क्यों आप लाल पीली हो रही है? लाल पीली हो मेरी बला, जानती हो मैं कौन हूँ? और आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ? किस बाग की मूली हो तुम? जिस बाग की आप गाजर हैं। कुछ समझ में आया? सब समझ में आ जाएगा। मुंशी जी इसकी फटफटी का नंबर ले लो। चिपका। अरे मिस्टर चिपका, फटफटी तो अभी रजिस्टर भी नहीं हुई, ताजा ताजा दुकान से लेकर आई हूँ। हाँ टाटा। क्या बदतमीजी है? ओ मम्मी, आने की खबर तो दी होती। खबर देती तो ये कैसे पता चलता कि बरखुरदार शहर में 11 11 बजे तक सोए रहते हैं। छोटे फूफी 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 फूफी, मेरी आंख तो पिछले पहरी लगी थी। रात भर कौन सी चक्की पीते रहे? रात भर राज भैया का इंतजार करता रहा। अब तो मैं जरूर बोलूंगा, पता नहीं ये इतनी रात घर तक कहाँ रहते हैं। फिक्र ना करो, अब आ गई हूँ, सब पता लगा लूंगा। छोटे ये क्या हुरिया बना रखा है तुमने? शहर में आकर भी देहाती के देहाती ही रहे। चिपका। नहीं माँ जी, छोटे बाबू शहर में आके पहले से काफी बदल चुके हैं। गांव में तो ये धोती बांधते थे, यहाँ आकर तो बिस्तर बांधने लगे हैं। क्यों राज,
ये चमनलाल कौन है और उसके लड़के निर्मला कैसी? भूपी, मामी लड़की बहुत अच्छी है लेकिन चमनलाल उसके पिता नहीं, चाचा है। तो यूं कहो ना कि यतीम है। कुछ भी समझ लो मामी, निर्मला के बाप ने काफी जायदाद छोड़ी है, चाचा तो सिर्फ निर्मला का सरपरस्त है और खुद भी खासा खाता पीता आदमी है, शहर में इज्जत की नजर से देखा जाता है और अक्सर लोग उसे लखपति के नाम से पुकारते हैं। लखपति? अरे तुम उस चमनलाल लखपति का जिक्र कर रहे हो? हाँ फूफी, उसी लखपति चमनलाल का। मुझे तो पहले ही पता था कि फूफी जरूर उसे जानती होगी। आखिर हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा पैसे वाला उल्लू का पट्टा है जो फूफी की नजर से न गुजरा हो। ज्यादा बात नहीं किया करते, चमनलाल लखपति तो काफी बातूनी आदमी है। हरिद्वार जाते हुए रेल में मेरी उससे मुलाकात हुई थी। अच्छा मम्मी, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बगैर टिकट सफर कर रहा था। मम्मी ये तो बहुत पुरानी बात होगी, अब तो काफी धन दौलत का मालिक है। अरे भैया जी, गोली मारो उसकी दौलत को, असली दौलत तो दरअसल निर्मला का रूप रंग है। अगर मिस्टर शाहजहां जिंदा होते। छोटे बाबू, क्या वाकई बहुत खूबसूरत है? मुंशी काका, इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि उसके गाल के तिल पर हमारी सारी जागीर निछावर। छोटे, शर्म नहीं आती फूफी के सामने ऐसे बातें करते हुए? बस राज, लखपति को खबर कर दो कि आज शाम हम निर्मला को देखने आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं जरा स्नान करके पूजा पाठ कर लूं। अच्छा मामी। जाओ जल्दी से तैयारी करो, आइए आइए। तशरीफ रखिए, आप लोग भी बैठिए, अपना ही घर समझिए, बैठिए बैठिए। मैं आप लोगों के जलपान का इंतजाम करके अभी आता हूँ। अरे गंगू। फूफी, ओ फूफी, अब तो बैठ जाओ, मकान का जोग्राफिया समझने के लिए अभी बहुत वक्त है। छोटे, मैं चुकी। कहिए, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी बिल्कुल नहीं। तकलीफ क्यों होती, टिकट जो खरीदा था। आखिर टिकट के बगैर कौन सफर करता है माजी? कुछ आप जैसे ही लोग होते। मैं जानती थी कि आप वही चमनलाल लखपति हैं जो 10 बरस पहले हरिद्वार की गाड़ी में बगैर टिकट सफर कर रहे थे। होटल ले दी, होटल ले दी। क्यों, याद है ना आपको? आपको धोखा हुआ होगा माजी। गंगू लाओ नाश्ता, लाओ नाश्ता। मैं तो कभी हरिद्वार गया ही नहीं। चिपका गंगू। हाँ याद आया, मेरी ही शक्ल का मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसका नाम भी चमनलाल था। वो अक्सर तीर्थ यात्रा को जाया करता था। बेचारे के हालात अच्छे नहीं थे। खैर छोड़िए इस बात को, छोड़िए इस बात को। आपके हालात कैसे हैं? मैंने सुना है कि लड़की के नाम कुछ जायदाद रखी है। आप जो कुछ देख रही हैं, ये सब कुछ बेटी निर्मला का ही है। मैं तो सिर्फ इस जायदाद का रखवाला हूँ। ये मकान किसका है? बस सिर्फ ये मकान ही मेरा है, लेकिन मैंने इस पर कुछ कर्जा ले रखा है। तो यूं कहिए ना कि गिरवी पड़ा है। चिपका, कागजात कहाँ है? फूफी, दरअसल बात यह है माजी कि मेरे बड़े भाई यानी निर्मला के पिताजी निर्मला के नाम 1 लाख रुपया छोड़ गए थे। मैंने वो रुपया कारोबार में लगा दिया, अब भगवान की कृपा से 4 लाख रुपए हो गए। सिर्फ 4 ही लाख? मैंने वो 4 लाख रुपया सिटी बैंक में जमा करा रखा है। आपके भैया तो उस बैंक के कर्ता धरता है। जानती हूँ, इसीलिए तो उस बैंक का दिवाला भी जल्दी निकलने वाला है। बैंक का दिवाला? लेकिन बैंक तो अच्छी तरह चल रहा है माँ जी। वो बैंक के खाक चलेगा जो सर्कस कंपनियों को उधार देता है। ये तो बड़ा अच्छा कारोबार है फूफी, सर्कस कंपनी फेल भी हो जाए मगर हाथी बंदर और शेर तो बच रहेंगे। छोटे, मैं चुप हूँ। खैर ये सब तो सुन लिया, अब लड़की भी दिखा दीजिए। दिखा दीजिए निर्मला। आओ आओ बेटा, माजी तुम्हें देखने आई है। ओहो, अरे शर्माने की क्या जरूरत है, आओ। माँ जी निर्मला जरा शर्मीली है, आओ। बेटा सबको नमस्ते करो। मुंशी जी। जी ये वही लड़की है ना
मोटरसाइकिल वाली चिपका माँ जी है तो बिल्कुल वही चिपके। आपको धोखा हुआ है माँ जी, निर्मला बिटिया मोटरसाइकिल तो क्या साइकिल चलाना भी नहीं जानती। हाँ शायद मंजू होगी, हमारे पड़ोस में रहती है, वो मोटरसाइकिल की बहुत शौकीन है और उसकी शक्ल भी हमारी निर्मला से बहुत कुछ मिलती जुलती है। छोटे फूफी, जान पड़ता है इस घर में सबकी सूरतें किसी न किसी से मिलती जुलती है। हेलो, यस सिटी बैंक, कौन एजेंट साहब? जी हाँ चमनलाल जी हैं, आपका टेलीफोन। थैंक यू। हेलो जी, मैं चमनलाल बोल रहा हूँ, कहिए कैसे याद फरमाया जी? क्या कह रहे हैं आप जी? बैंक फेल हो गया, मेरा सारा रुपया। हेलो हेलो हेलो, मैं तो जानती ही थी कि वो बैंक क्या चलेगा जिसके कर्ता धरता मेरे भैया। जागीरदार लोग धंधा करना क्या जानते। राज जी आओ, चलो बेटा चलिए। माँ जी इस तरह मत जाइए, रुपया चला गया लेकिन शराफत तो नहीं गई है। निर्मला जैसी सुशील और पढ़ी लिखी लड़की को रुपए की तराजू में मत तोलिए। भगवान का दिया आपके पास सब कुछ है, आपको हमारे रुपए की क्या जरूरत है? आपको तो घर को स्वर्ग बनाने वाली बहू चाहिए। चमनलाल जी फिर भी खानदान और उसकी हैसियत तो देखनी पड़ती है। क्यों भैया जी, बैंक फेल होते ही आपकी मोहब्बत भी फेल हो गई? किशोर। हाँ भैया जी। बेवकूफ जैसी बातें ना करो। ना करो, बेलापुर के जागीरदार का भांजा और एक कंगाल की भतीजी से शादी करे। मगर भैया जी आप तो सिर्फ बेलापुर के जागीरदार की बहन के बेटे हैं, लेकिन मैं तो बेलापुर के जागीरदार का बेटा हूँ। क्या ख्याल है आपका अगर मैं इस कंगाल की भतीजी से शादी कर लूँ? छोटे फूफी, छोटे इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं ऐसा करने वाला नहीं। मैं मैट्रिक फेल एक बिगड़े हुए रईस का बेटा इस बीए पास के काबिल का। छोटे अपनी जबान को लगाम दो। चमनलाल जी हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। तो वो रहा दरवाजा, आप तो इस तरह यहाँ आई थी जैसे कि पुलिस इंस्पेक्टर किसी चोर के घर में आता है। बिटिया आपको ये सुनकर खुशी होगी कि हरिद्वार की गाड़ी में आपकी जिससे मुलाकात हुई थी वो यही थे मेरे चाचा। और सुबह जिस लड़की ने मोटरसाइकिल समेत आप पर हमला कर दिया था वो मैं ही हूँ, समझ गई आप? मैं जानती थी ये खानदानी बहरूपियों का है। तू जैसी लड़की को कौन अपनी बहू बनाएगा? और आप जैसी हिटलर की चेली को कौन अपनी सास बना रहा है? नमस्ते। राज बेटा चलो चलो। बिटिया ये तुमने क्या किया? चाचा जी। जागीरदार साहब। हाँ ये किसने मुझे जागीरदार कहकर पुकारा? आपकी जबान मुबारक हो, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए ना। आप हैं कौन? मैं कामनी का बाप हूँ। जरूर होंगे लेकिन ये तो बताइए कि कामनी कौन है? तो कामनी को तुम नहीं जानते? किसी लड़की को जानने से पहले उसे देखने की जरूरत होती है। तो अभी उसे देख देख कर तुम्हारा जी नहीं भरा? किशोर तुम अच्छी तरह जानते हो कि कामनी कौन है और ये भी जानते हो कि तुमने एक अनजान लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, एक मासूम का दामन। इससे ज्यादा लफाजे की जरूरत नहीं, मैं ना किसी कामनी को जानता हूँ ना पहचानता हूँ। और जाने पहचाने बगैर तुमने उसे रुसवाए जहां का खिताब दे दिया। शर्म नहीं आती आप अपनी बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? शर्म का तो ये तकाजा था कि अपनी बेटी की जबान से उसकी शर्मनाक दास्तान सुनकर खुदकुशी कर लेता, मगर मुझे अपने लिए नहीं उस मासूम के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। बड़े शौक से जिंदा रहे, आखिर दुनिया में हर इंसान को जिंदा रहने का हक। और जिंदगी के साथ साथ अपनी इज्जत की हिफाजत करने का भी हक है। कहो तुम मेरी बेटी को अपना बनाकर उससे बदनामी से बचाने को तैयार हो या ये हक भी मुझे अपने बाजुओं से मांगना पड़ेगा? धमकी देते हो, साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम मेरी खानदानी हैसियत जानते हुए किसी गैर का इल्जाम मेरे सर पर थोप कर मुझसे रुपया ऐंठना चाहते? गरीब हो तो हाथ फैला कर मांगो। लो तुम समझते हो ये रुपया मेरी बच्ची की इज्जत की कीमत है? कीमत उस चीज की दी जाती जो खरीदी जाती, ये तो मैं भीख दे रहा हूँ। अपने पास रखो इस भीख को, मुझे रुपए की भीख नहीं चाहिए, इंसानियत की भीख चाहिए। और अगर तुम इंसान हो और तुम्हें इंसानियत का जरा भी मादा है तो उस निर्दोष का हाथ पकड़ो जिसकी गिरावट के जिम्मेदार तुम हो। ये जागीरदार के बेटे का कमरा है, समाज की बच्चन औरतों का आश्रम नहीं। न तो मैं किसी की इज्जत का ठेकेदार हूँ और ना ही मेरा तुम्हारी बेटी से कोई वास्ता है। तुम्हारा जो जी चाहे तुम कर सकते हो,
जाओ अपना रास्ता लो, कराओ। जाता हूँ, लेकिन यहाँ तक ना, मैं अपनी बेजबान बेटी की बर्बादी का बदला तुमसे लेके रहूंगा, लेके रहूंगा। दुर्गा बहन, भैया ये राज क्यों नहीं आया अभी तक? मैंने तो आने के लिए ताकीद की थी, शायद किसी वजह से रुक गया होगा। तो हम लोग चलते हैं, राज बाबू आया तो उन्हें भेज दीजिएगा। माँ जी, माँ जी, राज बाबू मोटर में चिपक गए हैं। क्या मतलब है, आ गए हैं? राज आ गया? ओ, जीते रहो बेटा, जीते रहो। कलेक्टर साहब माफ कीजिएगा, जरा देर हो गई, मैं अभी बंदूक लेकर आता हूँ। बंदूक तो मैंने पहले से ही मोटर में रखवा दी है भैया जी। किशोर, तूने जिंदगी में पहली बार अकल की बात की। अच्छा मामी, हम लोग जाते हैं। अरे अरे, अभी अभी तो आए हो, मुंह हाथ धोकर कुछ खा पी तो लो। क्या कह रही हो फूफी, भैया जी राजपूतनी का बेटा है, अपने हाथ तो शिकार करके खाएगा। अच्छा अच्छा, कलेक्टर साहब आइए, आओ किशोर। क्या था, कोई शिकार था? क्या बताऊं कलेक्टर साहब, एक लोमड़ी शेर की खाल पहनकर हवा में उड़ रही थी, बच के निकल गई। देखो बरखुरदार, यूं ही हवा में गोलियां छोड़ते रहे तो हम में से किसी न किसी की जान ले बैठोगे। हाँ भाई, वो तो होता ही है। याद रखो, कहीं उल्टी सीधी बंदूक दबा दी तो कानून के हत्थे चढ़ जाओगे। डीएसपी साहब, जब कानून के मुहाफिज हमारे साथ हैं तो फिर कानून की क्या परवाह? इस वहम में न रहो मिस्टर राज, कानून दोस्ती और मुरव्वत को कभी नहीं देखता। डीएसपी साहब, इतनी देर में तो 3-4 चूहे मार लिए होते। चूहों की बात छोड़ो, अब सब अलग अलग रास्ता पकड़ लो, शाम को फिर इसी जगह मुलाकात होगी। भैया जी, मैं किधर जाऊं? नाक की सीध में। यहाँ भी आ पहुँचे? जब तक तुम मेरी बेटी से इंसाफ नहीं करोगे, मैं दूसरी दुनिया तक भी तुम्हारा पीछा करूंगा। अपने बुढ़ापे पर तरस खाओ और लौट जाओ यहाँ से। ठहरो, मेरे बुढ़ापे की फिक्र क्यों करते हो? अपनी जवानी पर तरस खाओ साहबजादे। कहो, तुम्हें मेरी बेटी का हाथ मंजूर है या नहीं? अगर न मंजूर हो तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? अगर तुम्हें गरीब लड़की की इज्जत मिट्टी में मिला सकते हो तो मैं तुम्हारा खानदानी गरूर भी तोड़ सकता हूँ। माना तुम जागीरदार के बेटे हो, दुनिया की नजरों में तुम्हारी मुझसे ज्यादा इज्जत है। अगर तुम सीधी तरह न माने तो मैं ये राज तुम्हारे वालदेन के सामने फाश कर दूंगा। मगर सबूत कहाँ से लाओगे? सबूत? सबूत मेरे पास है। ये रही तुम्हारी तस्वीर जो तुमने मेरी बेटी को दी थी। तस्वीर? तस्वीर तो किसी के हाथ भी लग सकती है। लेकिन तस्वीर के पीछे ये मोहब्बत का पैगाम तो नहीं लिखा जा सकता। अपने अरमानों की दुनिया कामने के नाम किशोर का नाचीज तोहफा। मगर ये नाचीज तोहफा पिताजी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी दूर जाने की क्या जरूरत? डीएसपी और कलेक्टर साहब जो यहाँ मौजूद हैं, मैं ये तस्वीर दिखाकर उनसे अपना हक मांगूंगा। मगर डीएसपी और कलेक्टर से ज्यादा नजदीक एक और चीज भी है, और वो है तुम्हारी मौत। लाओ ये तस्वीर। मेरे जीते जी तुम ये तस्वीर नहीं ले सके, तस्वीर तो मैं लेके ही रहूंगा। डीएसपी साहब, कलेक्टर साहब, डीएसपी साहब। अब क्या होगा? कानून दोस्ती और मुरव्वत को नहीं देखता, कानून दोस्ती और मुरव्वत को नहीं देखता। बरखुरदार, अगर यूं ही हवा में गोलियां छोड़ते रहे तो हम में से किसी न किसी की जान ले बैठोगे। किसी न किसी की जान ले बैठोगे? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कौन है? अरे कहाँ हो? मर गया। क्या हुआ? कौन चिल्ला रहा है? क्या हुआ?
भैया कौन हो तुम? ए भैया खून खून भैया जी खून भैया जी ये कौन है भैया जी? मुझे नहीं मालूम ये कौन है। किशोर ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया भैया जी, मैंने तो सिर्फ गोली चलाई थी। और वो गोली इसके लगी, ये तुमने क्या किया? चलो इसे अस्पताल ले चलें, शायद जान बच जाए। ठहरो ठहरो। ये तो मर गया। मर गया? हाँ। तो फिर? फिर क्या, तुम तो जानते हो कि डीएसपी और कलेक्टर बहुत सख्त है। पेशतर इसके कि वो लोग यहाँ आए, तुम यहाँ से भाग जाओ। अच्छा भैया जी मैं घर जाता हूँ। अरे ठहरो। घर नहीं, घर जाओगे तो पकड़े जाओगे, सारे खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी और मामा जी तुम्हारे शर्म के जान दे देंगे। किशोर अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो यहाँ से किसी दूसरे शहर में भाग जाओ। लेकिन भैया जी मैं पिताजी से मिलूं। ओ पिताजी को मैं समझाऊंगा, रुपए तुम्हारे खर्चे के लिए। और देख मैं तुम्हें चोरी छुपा मिलता रहूंगा। भैया जी किसी बात की फिक्र न करना, मैं तुम्हें बचाऊंगा और जरूर बचाऊंगा। किशोर साहेब, क्या किशोर? ए, कौन हो तुम? उठो। किसी को गोली लगी है। गोली? हाँ। तो ये लोग कहाँ गए? मिस्टर राज, राज साहेब, आया। डीएसपी साहब आज तो सारा दिन बेकार गया, एक भी पानी 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 लाओ। कौन हो तुम? तुम्हें किसने मारा? कामनी। कामनी? कामनी ने मारा? साफ साफ बता तुमको किसने मारा है। हाँ? बोला बोला तुम्हें किसने मारा? मेरा पुत्र जागीरदार का बेटा। किशोर? किशोर ने मारा? मिस्टर राज ये बंदूक किशोरी की है ना? डीएसपी साहब मैं। हाँ बताइए, घबराइए नहीं। कलेक्टर साहब मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ कि ये बंदूक किशोरी की है, प्लीज उसे बचा लीजिए। मिस्टर राज कानून दोस्ती और मरवत को कभी नहीं देखता। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए और किशोर को फौरन गिरफ्तार किया जाए। यस सर। दुर्गा बहन तुम ही कहो, किशोर किसी पर बंदूक तो क्या गुस्से में हाथ भी उठा सकता है? ये सरासर झूठा इल्जाम, किशोर ऐसा नहीं। लेकिन भैया वो इस तरह भाग क्यों निकला? भागने से पहले अगर उसने मुझसे जिक्र किया होता तो मैं खून का इल्जाम अपने सर ले लेता, लेकिन अपने किशोर पर कोई हर्फ ना आने देता। खानदान की नाक कट गई है, मैं दुनिया को किस तरह मुंह दिखाऊंगा? दुर्गा बहन तुम घर बार संभालो, मैं किशोर की तलाश में जाता हूँ। जब तक वो नहीं मिलता झूठ और सच का पता कैसे चल सकता है? मामा जी मेरे होते हुए आप क्यों परेशान होते हैं? मैं किशोर की तलाश में अपनी जान की बाजी तक लगा दूंगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं अपने मासूम भाई को आपके पास लाकर ही छोड़ूंगा। हाँ बेटा, पुलिस के हाथ आने से पहले किशोर को एक बार हमसे मिला दो, हम अपना धन दौलत जागीर सब कुछ लुटा देंगे, पर किशोर पर आंच ना आने दें। जागीरदार साहब जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन कानून दोस्त और दुश्मन में तमीज नहीं करता, हमें इस घर की तलाशी लेना ही होगी। लेकिन डीएसपी साहब आप इतने बड़े घराने की तलाशी नहीं ले सकते। राज कानूनी कार्रवाई में दखल देना अच्छा नहीं, आप तलाशी जरूर लीजिए। शुक्रिया। दौलत गई, घर नीलाम हो गया, न जाने किस्मत अभी और क्या क्या रंग दिखाएगी। चाचा जी जिंदगी में दौलत तो आती जाती रहती है, अच्छा हुआ कि दौलत छीन गई। दौलत न जाती तो राज जैसा लालची और निकम्मा आदमी मेरी किस्मत का मालिक बन जाता। भगवान जो कुछ करता है अच्छे के लिए ही करता है। नहीं बिटिया ये सब कुछ मेरी नादानी की वजह से हुआ है, न मैं सिटी बैंक में रुपया जमा करवाता, न ये दिन देखने में आता। चाचा जी मुझे आपसे एक और शिकायत है। और शिकायत है? क्या शिकायत है बिटिया? बताइए अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या उसके सामने भी आप इसी तरह सफे पेश करते? जीती रहो बिटिया, जीती रहो,
भगवान ने जितना सुंदर चेहरा दिया है उससे कहीं ज्यादा बढ़कर खूबसूरत दिल दिया है। अगर आप मुझे इतनी अच्छी शिक्षा न देते तो ये दिल की खूबसूरती कहां से आती? गंगू ये सामान ले चलो। बिटिया चलो किसी होटल में चले चलते हैं। उम्र भर का एक साथ खाया पिया इस तरह हराम न करो। अगर तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती तो कम से कम अपनी बेटी निर्मला पर ही रहम खाओ। कल तक तुम उसे बेटी कहकर पुकारते थे, क्या आज तुम देख सकोगे कि तुम्हारी वही बेटी दरबदर सहारे के लिए भटकती फिरे? इतना जज्बाती होने की कोई जरूरत नहीं चमनलाल, मकान आज ही खाली करना होगा। सोहनलाल सिर्फ 2 महीने के लिए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। 2 महीने नहीं, ये 1500 रुपए की भीख है चमनलाल। मैंने मकान का किराया 750 रुपए महीना फैसला किया है और 3 महीने की पेशगी भी ले चुका हूँ। तो तुमने उम्र भर की दोस्ती की कीमत 1500 रुपए लगाई है। सोहन याद करो वो दिन जब तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे पिताजी के पास आए थे, तुम्हारी सूरत पर लानत और फाखे बरस रहे थे। मेरे पिताजी ने तुम्हें अनाज समझ कर मुलाजिम रखा, तुमको अपने कारोबार का एक नुक्ता समझाया। उस वक्त तुम मेरे पिताजी के सामने बैठने की जरूरत नहीं करते थे और आज तुम अपने उसी मोहसिन के बेटे अपने उम्र भर के दोस्त के साथ 1500 रुपए की हकीर बात कर रहे हो। अब मैं समझा मेरे पिता ने एक अनाथ को सहारा नहीं दिया था, एक सांप को खून पिलाया था। चमनलाल क्या तुम चाहते हो कि मेरा चपरासी तुम्हें धक्के देकर यहां से बाहर निकाल दे? खामोश! कल के भिखारी आज तुम चपरासी वाले हो गए। याद रखो किसी के दिन बदलते देर नहीं लगती। सोहनलाल काश मैंने एक नमक हराम दोस्त के बजाय कुत्ते को पाला होता। कुत्ते को पाला होता। हेलो, सर सोहनलाल जी का ऑफिस है? जी मैं निर्मला हूँ, वहाँ सेठ जी हैं? नहीं है? अच्छा देखिए, मेरे चाचा जी कल आपके यहाँ गए थे और अभी तक वापस नहीं आए। क्या कहा? सीरियस है क्या? मिशन हॉस्पिटल। मेरा वो मर्डर केस, रौनक लाल का खून हो गया। बेलापुर जागीरदार के बेटे किशोर ने रौनक लाल का खून कर दिया। बेलापुर जागीरदार का मुलगा किशोर ने रौनक लाल का खून केला। रौनक लाल का खून, खूनी फरार हो गया, रौनक लाल का खून। आप तशरीफ रखिए, मैं जरा मसरूफ हूँ, बाद में आपसे बात करता हूँ। किशोर तुम गौर से देखिए और फिर जवाब दीजिए। मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। कभी नहीं? बच्चों की बात है, मरने से पहले आपके पिताजी ने बयान दिया था कि उनका खून बेलापुर के जागीरदार के लड़के ने किया है और आपका कहना है कि आपने उसे कभी देखा ही नहीं। बहुत खूब इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी खूनी है? जी आप इसे जानती हैं? जी ऐसे याद पड़ता है कहीं इसे देखा है। जरा हाफजे पर जोर डालिए, ये आदमी इनके पिताजी का कातिल है। ओ, जी कुछ याद नहीं आ रहा, शायद ये मेरा वहम हो। मेरा नाम निर्मला है, मेरे चचा चमनलाल लखपति आज सुबह अस्पताल से गुम हो गए हैं। अस्पताल वालों का कहना है कि उन्होंने पुलिस को खबर कर दी है। दुरुस्त है, रिपोर्ट हमारे पास दर्ज है और कोशिश भी जारी है, लेकिन मिस्टर चमनलाल का अभी तक कोई पता नहीं चला। आप ऐसा कीजिए अपना पता दे जाइए, जो ही उनका कोई सुराग मिला तो आपको खबर कर दी जाएगी। जी मैं खुद ही आकर खबर ले जाया करूंगी, दरअसल मेरे रहने सहने का इस शहर में कोई ठिकाना नहीं। भगवान से निराश न हो बहन। तुम अभी कह रही थी कि तुम्हारा कोई ठोर ठिकाना नहीं, शायद मेरी तरह तुम भी गर्दिश की मारी हो। पिताजी के गुजरने के बाद मैं भी इस दुनिया में तनतना हूँ। चाहो तो मेरे यहाँ आ जाओ, एक दूसरे से अपना दुख कहकर जी हल्का कर लिया करेंगे। लेकिन
लेकिन तुमने तो इससे पहले मुझे कभी देखा भी नहीं। घर में किस तरह रख लोगे मुझे? तुम भी दुखिया हो और मैं भी दुखिया, दोनों की एक ही बिरादरी है, इससे बढ़ के और जान पहचान की क्या जरूरत है बहन? निर्मला देवी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुसीबत में एक दूसरे के काम आ सकोगी। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर जगदीश को समझा देता हूँ। मिस्टर जगदीश। यस सर। इंस्पेक्टर जनरल का फोन था, बेरापुर मर्डर केस के बारे में कह रहे थे। रौनक लाल का खूनी किशोर फरार हो चुका है, बंबई में उसकी तलाश के लिए इंस्पेक्टर जनरल ने आपको मुकर्रर किया है और साथ ही साथ इस मामले में चौकन्ना रहने की हिदायत भी की है, क्योंकि मामला संगीन। आई शैल डू माय बेस्ट सर। खबरदार, जो मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो पुलिस मेरा पीछा कर रही है। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब आइए आइए। क्या अभी अभी यहाँ एक नौजवान भागता हुआ आया है? इंस्पेक्टर साहब इधर तो कोई नहीं आया, किसकी तलाश है आपको? एक खूनी की, मेरा ख्याल है वो इधर ही आया है, हो सकता है आपने उसे देखा ना हो। क्या मैं आपके घर की तलाशी ले सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब आधा घंटे से तो मैं यही हूँ, आपके सवाल यहाँ कोई नहीं आया। उस आदमी का हुलिया क्या था? हुलिया? दानेदार कोट और खाकी हाफ पैंट पहने हुए था। खाकी हाफ पैंट? हाँ, काफी फुर्तीला नौजवान है। ओ, खाकी हाफ पैंट, हो सकता है वो आदमी उस रास्ते पर गया हो। क्या जी? मेरा मतलब ये, दो ही मिनट पहले मैंने किसी को तेजी से उस तरफ जाते हुए देखा था। वो देखिए वो नुक्कड़ की गली, उसी तरफ कोई भागा हुआ जा रहा था। शुक्रिया। हाँ, शायद आपको मालूम नहीं कि पुलिस ने इस खूनी की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए इनाम रखा है। 5,000 रुपए? मैं पूछ सकता हूँ कि खूनी को आपने पुलिस के पंजे से क्यों बचाया? अजनबी होते हुए भी अपने घर में मुझे क्यों पना दी? मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। एक बार मैं भी एक ऐसी ही मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी और आप जैसे एक बड़े आदमी ने अपनी इज्जत की परवाह न करते हुए मुझे सहारा दिया था। ओह, तो आपने किसी के एहसान का बदला मुझे चुका दिया। नहीं नहीं, इधर बैठिए। शुक्रिया। देखिए, जहां आपने इतना बड़ा कर्म किया है, थोड़ी सी मदद और कर दीजिए। कहिए। मैं भागते भागते बहुत थक गया हूँ, सिर्फ एक रात मुझे आराम से रहने की इजाजत दे दीजिए। सिर्फ एक ही रात क्यों? जब तक जी चाहे यहाँ आराम से रहिए, ये आप ही का घर है, आइए मेरे साथ। आइए आइए ना, सुबह मुलाकात होगी। आसमान से गिरे और खजूर में अटके, अब समझा इस फरिश्ते ने पुलिस से 5,000 का इनाम पक्का कर लिया। अरज करे चंदा, अरज करे।
मारे मैं तुम्हें पहचान न सका। अब तो पहचान लिया ना। दरवाजा खोलो। नहीं भैया नहीं, अब ये दरवाजा तो सुबह ही को खुलेगा। अब आप आराम से सो जाइए। दीपक थिएटर, जरूरत है कलाकार लड़कियों की। शक्ल तो अच्छी खासी है, देखिए डांस आता है आपको? जी आता है। जरा सा नमूना दिखाइए। ता तेरे तना ता तना तो जोनु ता जोनु तो दिमी ता ता ते ही करता ता तेरे ता तना तना तो जोनु जोनु तो दिमी ता ता ते ही करता ता तना ता जोनु ता दिमी ता किटा करता ता तेरे ता तना ता जोनु ता दिमी तम दरी करता हूँ तम दरी करता हूँ तम दरी करता हूँ ता बहुत खूब ये कोई डांस है अजीत शेर जी? ये कोई डांस है? डांस वो होता है जो मुंह से बोलकर पांव से अदा किया जाए, जैसे कि ये तो ये भी जानती है। आप गाना वाना भी जानती है? जी गाना तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन वाना मुझे नहीं आता। तो कुछ सुनाइए। बरसात में पत्ती न दिन, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में पत्ती न दिन, पत्ती न दिन। निर्मला देवी, आप डांस और गाने की टेस्ट में तो पास हो गई है, लेकिन एक्टिंग का क्या होगा? अजीब बात ये है कि आदमी के सर पर खोपड़ी होनी चाहिए और उस खोपड़ी में अकल, फिर एक्टिंग में क्या रखा है? तो जरा सा नमूना दिखाइए। शेर जी ये तो आवारा है। जमादार साहब, ये रोटी है ना, जुल्मी बड़ी बेवफा है, इसने हमको बहुत चक्कर दिया। जमादार साहब, 12 बरस पहले अगर यही रोटी मुझे जेल खाने के बाहर मिल जाती ना, तो इसी के पीछे बार बार यहाँ चक्कर क्यों लगाने पड़े? बस तुम्हारा टाइम खलास हो चुका। टाइम खलास? ओके बॉस, अभी इधर का खाना पसंद नहीं, अभी हम ताजमहल होटल का खाना खाएगा। यस बॉस।
आवारा हूँ पी। इससे कहो कोई जनाना नमूना पेश करे। इसका मतलब वैजयंतीमाला। वैजयंतीमाला जरा मुश्किल है। यस बॉस। यस बॉस। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे कौन बजाए बांसुरिया। रे 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 re 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 डस गई महादेव डस गई। तो क्या ख्याल है आपका देवी जी? एक्टिंग तो वाकई आप बहुत अच्छा करती हैं। जी शुक्रिया। शुक्रिया देवी जी। एक बात कहूं बुरा ना मानना, हमारे मुंशी जी जरा बूढ़े हैं, उन्होंने अपनी ही उम्र की हीरोइन का पार्ट लिख मारा है और आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह जवान है। कमाल है, पहले तो तारीफों के पुल बांध डाले और बाद में अंगूठा दिखा दिया। भगवान आपके बूढ़े मुंशी का और बूढ़ी हीरोइन का भला करे। नमस्ते। और कोई उम्मीदवार है? जी बस, अब तो ले दे के दो बूढ़ी औरतें ही रह गईं। अच्छा, तो उन दोनों में जो ज्यादा बूढ़ी हो पहले उसी को अंदर भेज दो, ठीक है ना सेठ जी? बिल्कुल। शुक्रिया। नमस्ते। 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 जीते रहो बेटा। आपका नाम? बंदी को माई जीवा कहते हैं। अच्छा, पहले कभी किसी थिएटर में काम किया है आपने? अजी मैं तो गदर के जमाने की चीज हूँ। मेडन थिएटर्स, पाली वाला थिएटर्स, ये सब कंपनियां मेरे देखते देखते आई और देखते देखते चली गई। सेठ जी ये हैं पुराने चावल, उम्र भी है और तजुर्बा भी, लेकिन कमर कुछ जरूरत से ज्यादा झुकी हुई। ये तो आर्टिस्ट की कमर है, वक्त पड़ने पर सीधी भी हो सकती है। चमत्कार चमत्कार चमत्कार। अरे क्यों नहीं सेठ जी, क्यों नहीं, आखिर गदर के जमाने से लेकर देसी राज तक का तजुर्बा है। लेकिन लेकिन क्या सेठ जी? आप ही बोलिए ना, आप कहिए ना। चेहरे पर झुर्रियां बहुत हैं, इतना बुढ़ापा नहीं चलेगा। इतना बुढ़ापा नहीं चलेगा तो जवानी भी मौजूद है। हाँ 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 हाँ। कहिए क्या ख्याल है आपका? अजी ख्याल गया भाड़ में। निर्मला देवी, आज से आप हमारी कंपनी के नौकर हैं। शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए आपकी नौकरी, मैं तो सिर्फ आपको सबक सिखाने आई थी। मैं जाती हूँ। देवी जी आप नाराज क्यों हो गए? जरा सुनिए तो। पहले आप सुनेंगे मुझे? हाँ देवी जी। क्या ड्रामे मैं पसंद करूंगी? हाँ देवी जी। क्या कलाकार मैं चुनूंगी? हाँ देवी जी। देवी जी आपकी सब शर्तें हमें मंजूर है। बात हुई ना? अजीब बात है, मैं तो अपनी उलझनों में तुम्हारी सूरत तक भूल गया, लेकिन तुमने मुझे खूब याद रखा। मुन्नी मुझे खुशी है कि तुमने अपने वादे के मुताबिक अपने को बिल्कुल बदल लिया है। चेला तो रास्ते पर आ गया है लेकिन गुरु अभी तक भटक रहा है। लेकिन ये माजरा क्या है? आप किसी का खून क्या करेंगे? मैं भी कल ही समझाऊं कि खूनी मैं नहीं कोई और है। कौन है वो? अब बताने से भी क्या फायदा, मुझे एक आदमी पर शक है। तो फिर आप अपना शक पुलिस पर जाहिर क्यों नहीं कर देते? जाहिर? नहीं नहीं मुन्नी, अभी तक मेरा दिमाग कुछ फैसला नहीं कर पाया है। मरने वाले ने अपने बयान में मुझे खूनी ठहराया है, न जाने उस शरीफ आदमी को मेरे सर इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी। सारा वाकया एक मोहमा सा बनकर रह गया। जब तक असली राज का पता न चले मैं खूनी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं उस वक्त तक खामोश रहना चाहता हूँ जब तक ये मामला खुद ब खुद न सुलझ जाए। जैसा आप मुनासिब समझे वैसा ही करें, घबराने की कोई जरूरत नहीं। घर मौजूद है, ये बहन हाजिर है और बहन के पास जो कुछ भी है वो आपका है। मुन्नी मेरी बहन,
निर्मला, मुन्नी मैं ये ड्रामा देखूंगा। कैसे दीवानों से बातें कर रहे हो भैया, शहर भर में पुलिस आपकी तलाश कर रही है और आप ड्रामा देखने जाएंगे। कुछ भी हो मैं ये ड्रामा जरूर देखूंगा, निर्मला इसमें काम कर रही है। निर्मला कौन है ये? अरे निर्मला मैं सब समझ गई। क्या क्यों है ना यही बात? हट, क्या बात कर। अम्मा कहता है कौन बैठी है यहाँ तेरी अम्मा? चल चल, बड़ा आया अम्मा कहने वाला। वल्लाह क्या गुस्सा है इस उम्र में ये रुबाब, तो जवानी में माशाल्लाह बम का गोला होगी। गोला लगे तुझे, जहन्नुम रसीद हो तू। बता यहाँ क्या लेने आया है? हम फर्जिस्तान से अपनी बुलबुल की तलाश में आए। किधर है हमारा मुन्नी, हमारे गुलजार का रौनक? मुन्नी की तलाश में आए हो? खुशामदी खुशामदी, यही रहती है मुन्नी। अरे हाँ हुआ, हाँ, हमारा गुमशुदा माशूक हमें मिल गया। अब की कसम, आज हम जमीन पर नहीं जन्नत में है, जन्नत में है। लेकिन हुजूर अनवर, आपने अपना आता पता तो बताया ही नहीं, क्या इसमें शरीफ है आपका? कुतुबुद्दीन आफ्ताबुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम खान अब्दुल रहमान। एक महीने से हम हिंदुस्तान की खाक छानता फिरता, किस लिए? अपने मुन्नी के दीदार के लिए। शैतान की तरह इधर से उधर मारा मारा फिरता, किस लिए? अपने गुले गुलजार के लिए। आए किधर गई अम्मा, हमें दीवाने कुत्ते ने नहीं काटा। सिर्फ मुन्नी की मोहब्बत ने, मुन्नी की मोहब्बत ने हमारे दिल को पारा पारा बेगम पारा कर दिया। सब क्या जाऊं? वल्ला वो दिन नहीं भूलता जब होटल में उस चंदे आफ्ताब, चंदे मेहताब, चंदे चंदा भाई कमर रूपरी वश को जुल्म बर्दोश देखा। वो दिन और आज का दिन हम उसी के नाम का तड़ी घुमाता है। कहाँ है, किधर है, किधर है हमारी लैला? सरकार खबर कीजिए, तशरीफ तो रखिए, उठिए। मुन्नी बेटी, मुन्नी क्या है माँ? माँ ये कौन है? हम कौन है? हमारा तकदीर, हमारा बुलबुल, हमारा माशूक, हमारा नान कताई, हम तो पूछता हम कौन है? अम्मा ये चिड़ियाघर कहाँ से ले आई हो? अम्मा हमको चिड़ियाघर बोलता है। होश में आओ मुन्नी, होश में। ये अरब के बहुत बड़े सौदागर तुम्हारी मोहब्बत का दम भरते हैं, पहले तुम्हें होटल में देख चुके हैं, हजारों मील का सफर तय करके तुम्हारी तलाश में आए हैं। जरा अदब आदाब से काम लो बेटी, तशरीफ रखने को तो कहो। वल्ला क्या जटिल बात कही है, तशरीफ रखने को नहीं अपने दिल के सरदार में बैठाने को बोलो। बेहया कमीने कहेगी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। किशोर भैया मुझे बचा। क्या बात है, क्या बात है मुन्नी? इस कमीने भैया। अरे मुन्नी। अम्मा मिजाजे मुआवला, तो तुम हो मर्दवे? तो जहान की लानत तुम पर, मैं चली अपने गांव। अब तो ये घर बहुरूपियों का हो गया है, ये घर बहुरूपियों का हो गया है। अम्मा भैया ये आपने क्या किया, मैं तो बेहोश हुए जा रही थी। माफ करना मुन्नी, जिंदगी आखिर एक ढोंगी तो है, लेकिन आज इस ढोंग से दो बड़े सवाल हल हो गए। कौन से भैया? एक तो तुम्हारी पारसाई की मोहर हमेशा के लिए मेरे दिल पर लग गई। जब एक अजनबी ने तुम्हारे जिस्म को छुआ, उस वक्त जो घबराहट मैंने तुम्हारे चेहरे पर देखी, वो ऐसी सूरत में मुश्किल से किसी खानदानी लड़की के चेहरे पर मिलेगी। तुम वाकई बदल चुकी हो। तो मेरा इम्तिहान लेने के लिए ये तकलीफ की आपने? इसके अलावा एक दूसरा मकसद भी है, मैं जानना चाहता था कि मुझे इस लिबास में कोई पहचान तो नहीं लेगा। अरे भैया जब मैंने ही नहीं पहचाना तो कोई आपको क्या पहचानेगा? मुन्नी मैं अब्दुल रहमान अरबी के नाम से स्टेज पर एक ड्रामा खेलना चाहता हूँ, जिसका नाम आशा है। आशा बहुत प्यारा नाम है। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन खुदा ना खास्ता भैया आपको किसी ने पहचान लिया तो? बड़ी भोली हो तुम, कोई ये सोच भी नहीं सकता कि खूनी जिसकी तलाश में पुलिस दिन रात परेशान है स्टेज पर ड्रामा खेलेगा। और फिर निर्मला से मुलाकात की यही तो एक सूरत है, थोड़ा बहुत खतरा जरूर है, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं। जैसे आपकी मर्जी। शायद इसी बहाने असली खूनी से भी मुलाकात हो जाए। शुक्र है भगवान का कि आप शोलों से तुम सलामत बचकर आ गए। मुझे भी यही हैरानी है कि मैं किस तरह बच निकली, कुछ याद भी तो नहीं आता, कैसे आग लगी, किसने मुझे बचाया। लेकिन इतना याद पड़ता है कि बेहोशी में किसी की मधुर आवाज मुझे सहारा दे रही थी,
कोई प्यार से मुझे सलामती की तरफ ले जा रहा था, लेकिन जब होश आया तो वहां कोई न था। बिल्कुल खास सी बात है। नमस्ते निर्मला जी। ओ नमस्ते। और महादेव कहो सेठ जी की क्या खबर है? उनका तो कहीं पता नहीं, और दोबारा काम शुरू होने की भी कोई उम्मीद नहीं। बेचारे बर्बाद हो गए। शहर एक दिन में तो नहीं बसता। इंसान का काम है आशा का दामन थामे रखना, बाकी सब भगवान के हाथ। सच कहती हो निर्मला देवी, लेकिन इस सब तो अरब के थिएटर ने शहर में हंगामा मचा रखा है। अरब का थिएटर? जी, ये देखिए, शायद आपको खबर नहीं, वो आज से हमारा ही प्रोग्राम पेश कर रहा है। जिस प्रोग्राम ने हमें बर्बाद कर डाला वही उसके लिए सोने की कान बन गया। अगर ये बात है तो मैं आज ही उस अरब का खेल देखूंगी।
मेरे ख्याल में बेहोश हो गई थी। डायटामेनिका मका नका नका चिका पिकारिका इना मीना रिका डिका डे डायटामेनिका मका नका मका नका चिका पिका रोला रिका राम पम पोच राम पम पोच। दिल बेचूं है कोई लेने वाला ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। दिल बेचूं है कोई लेने वाला ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरत या हसी हो उम्र या जवा हो कोई भी उसे देखे तो बस ये घुमा हो। यही है यही है यही तो है वो इना मीना डिका डायटम निका मका नका नका चिका पिकारिका इना मीना रिका डिका डे डायटम निका मका नका चिका पिका रोला रिका राम पम पोच राम पम पोच। मत सोचो के सस्ता है सौदा फल पाए लगाएगा जो पौधा। मत सोचो के सस्ता है सौदा फल पाए लगाएगा जो पौधा। दिल की ये क्यारी बनेगी फुलवारी ये दुनिया जलेगी जलन की हमारी। हंसेगी 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 मेरी प्यारी इना मीना डिका डायटम निका मका नका नका चिका पिकारिका इना मीना रिका डिका डे डायटम निका मका नका चिका पिका रोला रिका राम पम पोच राम पम पोच। ये शर्तें तो बड़ी है जरूरी जो कोई करेगा इन्हें पूरी। मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा मगर ये कहूंगा क्या यही है यही है यही तो है वो इना मीना डिका डायटम निका मका नका नका इना मीना डिका डिका डायटम निका मका नका चिका पिका रोला डिका राम पम पोच 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 राम पम पोच। तशीफ रखिए तशीफ रखिए। शुक्रिया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इना मीना का नाच क्या आपके अपने दिमाग की पैदावार है? अजी साहिबा दिमाग अल्लाह का पैदावार अल्लाह की हम किस गिनती में हैं? जो आप सूरत से नजर आते हैं असल में वो नहीं। क्या मतलब? इना मीना का नाच पहले मैंने तैयार किया था और वो नाच आपने चोरी किया है। मेरी मेहनत से फायदा उठाकर आपने इतनी शोहरत इतनी दौलत पैदा की है। मैं आप पर मुकदमा करूंगी। मुकदमा? हाँ। बड़े शौक से कीजिए मगर पहले ये तो बताइए कि आप किस मुल्क के वकील हैं? आपका इस्म मुबारक क्या है? क्यों आपने निर्मला देवी का नाम नहीं सुना? निर्मला देवी? हाँ। दीपक थिएटर का हीरोइन? हाँ हाँ। ओहो ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि जिसे मैं बुलावा देने वाला था आज वो खुद अपने मुबारक पाव लेकर यहाँ चला आया। मतलब? मतलब ये कि आपका थिएटर बंद हो चुका है अब आपको मेरे थिएटर में काम करना होगा। अजीब आदमी है आप ही। मैं तो आपसे झगड़ा मोल लेने आई। अजी छोड़िए अभी हम झगड़े वगड़े के सौदागर नहीं। हमारा पहला उसूल है खुदा से मोहब्बत खुदा के बनाए हुए बंदों से मोहब्बत।
दुश्मनी काम है शैतान का। कहिए, हमारी अर्ज कबूल हो गई? लेकिन शर्तें क्या है? सबसे पहली और आखिरी शर्त यह है कि जब तक आप मेरी मुलाजमत में होंगी, आप किसी भी शख्स से शादी या मोहब्बत नहीं कर सकती। वो क्यों? शादी या मोहब्बत का नौकरी से क्या ताल्लुक? ओए ओए ओए, ये बिजनेस सीक्रेट है। अक्सर ऐसा देखा गया है, शादीशुदा हीरोइन काम पर देर से आती और कभी भूले से जल्दी भी आ जाए तो दो तीन अदद बच्चे, एक अदद आया, एक अदद शौहर वगैरह वगैरह साथ ले आती। अब आप ही बताइए, थिएटर का मालिक हीरोइन की देखभाल करे या हीरोइन के बच्चों की, आयाओं की, शौहरों की? बड़े दिलचस्प आदमी है आप भी। शुक्रिया। कल साहब काम पर आ जाइए। जरूर। अच्छा नमस्ते, खुदा हाफिज। गई? एक दो तीन चार, बस चार सीढ़ियां और बाकी। चार हफ्ते के बाद राज तू राज नहीं रहेगा बल्कि राजकुमार जागीरदार ऑफ बेलापुर होगा। किशोर दुनिया के सामने कभी ना आ सकेगा। और प्यारे मामू, उसकी जुदाई और दुनिया की बदनामी के गम में घुल घुल कर अपने प्राण त्याग देंगे। एक नया खतरा पैदा हो गया। पैदा हुआ है तो मरेगा भी जरूर। लेकिन बस। क्या बात? बस आपने रास्ते के सारे कांटे तो हटा दिए लेकिन कामनी को भूल गई। रैत तेरे की। अब तुम मुझे कीड़े मकौड़ों से भी डराने लगे। हीरा, कामनी की हस्ती मेरे सामने एक चींटी के बराबर है, जब चाहूं उसे कुचल दूं। नहीं बस, कभी कभी चींटी हाथी की दुम से ऐसे चिपक जाती है कि हाथी बेचारा भी कुछ नहीं कर सकता। पागल है। आप नहीं जानते बस, अब निर्मला और कामनी एक ही घर में एक साथ रह रही हैं। इसी दिन कामनी ने निर्मला के सामने अगर अपने किशोर का जिक्र छेड़ दिया तो बस निर्मला पर सारा राज जाहिर हो जाएगा। निर्मला बड़ी तर्रार है, वो एकदम समझ जाएगी कि कामनी का किशोर किशोर नहीं बल्कि आप हैं। हीरा, किसी हद तक खतरा जरूर है, लेकिन ये दूर हो सकता है अगर निर्मला को अगवा कर लिया जाए। क्या ख्याल? बस जब तिड़तिड़ी से काम निकल सकता है तो एटम बम पे हाथ क्यों डाला जाए? क्या मतलब? मकसद तो कामनी और निर्मला को जुदा करना है ना, क्यों ना कामनी को अगवा कर लिया जाए। शाबाश हीरा, आज तो सर पर जरूर बादाम रोगन की मालिश कर आया। जाओ अपना काम शुरू कर दो। माफ कीजिए, कौन है आप? घबराइए नहीं, मैं आपके नाम किशोर का संदेशा लेके आया। किशोर जी, ये लीजिए। सचमुच किशोर का है? मेरी प्यारी कामनी, प्यारी कामनी, मेरे दोस्त के साथ फौरन चली जाओ, बहुत जरूरी काम। बहुत जरूरी काम है तुम्हारा किशोर? देर मत कीजिए, किशोर बहुत सख्त बीमार है। अरे हाँ, आपके पिताजी को भी आने के लिए कहा है। पिताजी तो कब के भगवान को प्यारे हो गए। ये क्या कहा? बहुत अफसोस हुआ सुनकर, लेकिन देखिए किशोर को यह दर्द भरी खबर मत सुनाइएगा, बीमारी में उसे सुनकर और भी सदमा होगा। चलिए बहुत देर हो रही। अच्छा अच्छा, ठहरिए ठहरिए। बीमारी का बहाना करके मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? कोई कोई रोग ऐसा भी होता है कामनी, जो सूरत पर नजर नहीं आता लेकिन इंसान को अंदर ही अंदर खाया जाता है। ऐसी कौन सी बीमारी है तुम्हें? क्या तुम्हारी जुदाई का गम कोई गम नहीं है कामनी? हालात की गर्दिश ने मुझे तुम्हारे घर तक नहीं आने दिया। कहो पिताजी कैसे हैं? पिताजी खामोश क्यों हो गई? अच्छे तो है ना वो? किशोर पिताजी, बोलो बोलो। उनका तो खून खून मैं भी कितना बदकिस्मत इंसान हूं। तुम्हारे पिताजी चल बसे और मैं मुसीबत में तुम्हें जरा सा सहारा भी ना दे सका।
मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ। बस करो किशोर, मुझे तसल्ली देने की बजाय तुम खुद अपना जी हल्का कर रहे हो। कामनी, अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी। मुझे क्या इनकार हो सकता है? बुलबुल की रगों में रगे गुल की फांस है, और लिखने वाले के भेजे में थोड़ा सा गोबर और थोड़ी सी घास है। खुशामदीद। आइए निर्मला साहिबा। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आती हैं। जी कुछ ऐसी ही बात है, मेरे साथ मेरी एक सहेली कामनी रहती थी, कल से वो घर से गुम है। गुम है? कैसे गुम हो गई? जी क्या कहा जा सकता है, सिर्फ ये चिट्ठी घर में पड़ी, जिसे ये पता चलता है कि उसे बीमारी के बहाने किशोर ने अपने घर बुलाया है। किशोर? वो खूनी किशोर? तो अब उस मर्दूद ने ये धंधा भी शुरू कर दिया है। जी कौन जाने। मगर आपकी सहेली गई क्यों? समझ गया, शायद उन दोनों का आपस में कुछ कुछ क्या इश्क विश्क का मामला होगा। जी मेरा मतलब है, आप ये चिट्ठी पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देती? पुलिस खुद ही तलाश कर लेगी। जी नहीं, मुझे अभी तक यकीन है कि न किशोर खूनी है और न उसने कामनी को भगाया है। ओए ओए ओए, अभी आप बच्ची अकल की कच्ची, ऐसा कहाँ का शरीफ ज्यादा है। कुछ भी हो, मुझे इसकी शराफत पर यकीन है। वाह बेटा किशोर, अच्छे शरीफ ज्यादे हो जो लड़कियां भी भगाने लगे हो। अब रहने दो ये पछतावा, अपने अपने थोपड़े ऊपर उठाओ और कल की फिक्र करो। हीरा। यस बॉस। तुम जानते हो इस शहर में एक अरब ने हंगामा कर रखा है। अरब ने तो नहीं, लेकिन उसके नाटक ने जरूर धांधली मचा रखी है। तुम इस अरब के बारे में कुछ जानते हो? बस इतना सुना है कि उसके नाटक ने शहर भर को लूट लिया है। इसके अलावा कुछ और भी सुना है? जी नहीं। जी नहीं, काम की बात तो तुम कभी सुनोगे ही नहीं। मुझे पता चला है कि एक नाटक ही नहीं, अब्दुल रहमान को रुपया कमाने के सैकड़ों तरीके आते हैं। बस एक दिन रामू दादा ने मुझसे जिक्र किया था, मगर मैंने सुनी सुनाई बात समझकर टाल। बहुत अच्छा किया, तुम लोगों को तो पक्की पकाई मिलनी चाहिए, हाथों हिलाने क्या जरूरत गधे कहीं के। इस अरब से तो किसी ना किसी तरह दोस्ती बढ़ानी चाहिए, आदमी काम का मालूम होता है। मैं सब इंतजाम कर दूंगा। बस तुम क्या खाक करोगे, मैं खुद देख लूंगा। नमस्ते। नमस्ते। आजकल अखबारों में तो तुम्हारे बहुत चर्चे हो रहे हैं, लेकिन चाचा जी ने थिएटर में काम करने की इजाजत कैसे दे दी? चाचा जी होते तो मुझे घर से निकलकर थिएटर में शामिल होने की जरूरत ही क्या थी। क्या हुआ चाचा जी को? दुनिया ने उन्हें इतने धोखे दिए कि वो अपने होशो हवास खो बैठे, और अब तो वो बहुत दिनों से लापता है। बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर, मैं उन्हें तलाश करने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया, मैं जरा जरूरी काम से जा रही हूँ। बड़े शौक से सुनिए, तो बीती हुई बातों को दिल से निकाल दो। मेरे दिल में ऐसी बातों के लिए कभी भी जगह नहीं। प्यारी कामनी, मेरे दोस्त के साथ फौरन चली आओ, बहुत जरूरी काम है। तुम्हारा किशोर। राज बेलापुर। वाह भैया जी, अगर कामनी को मेरे नाम से खत लिखना था तो कम से कम हैंडराइटिंग ही बदल दिया होता। विलेन तो हो मगर कच्चे हैं। तशरीफ लाइए। तस्लीम। खुशामदीद। खुशामदीद। वल्लाह वल्लाह बड़ी मुसर्रत हुई आपसे मिलकर। तशरीफ रखिए। अच्छा तो आपका इस मुबारक राज है। जी। आप बेलापुर जागीरदार के बेटे हैं? जी नहीं, मैं उनका भांजा हूँ। शुक्र है अल्लाह का जो आप जागीरदार के भांजे निकले, कहीं आप उनके बेटे होते तो पुलिस को आपकी तलाश होती। कैसी कही? बड़ी जोरदार कही। बुरा ना मानिएगा, जो आदमी हमको बहुत पसंद आता है हम उससे ऐसे ही गर्मजोशी से मिलता है। कैसे तशरीफ लाए? जी आपकी शोहरत का चर्चा सुनकर आपके दीदार का शौक पैदा हुआ, इसीलिए हाजिर हो गया। जहर किस्मत, जहर किस्मत, इतना बड़ा आदमी और थिएटर वाले का दीदार करने आए। हजूर आप क्या किसी से कम बड़े, एक मामूली सा थिएटर खोलकर आपने लाखों रुपया पैदा कर लिया है। राज साहब ये सब परवरदिगार का कर्म है, एक साल बाद देखिएगा 5 करोड़ रुपया हमारा अलमारी में होगा। अलमारी में? बैंक में क्यों नहीं? ओए 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 ओए। रहमान साहब ऐसा कोई गुर हमें भी बता दीजिए ना। बताएगा बताएगा, जरूर बताएगा। लेकिन
पहली मुलाकात में नहीं, क्यों जरा और जान पहचान हो ले फिर इंशा अल्लाह। लेकिन 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 आपको भी हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। जी एक क्या दो कहिए ना। आप बैलापुर के जागीरदार के भांजे हैं जी, यानी खिसोर के भाई। यही तो मेरी बदकिस्मती है, मुझे खिसोर का पता चाहिए जी। ये आप क्या कह रहे हैं अब्दुल रहमान साहब, किशोर का पता और मुझसे? लेकिन आपको उसके पते की क्या जरूरत है? पता था। देखो भाईजान, हमारे थिएटर की हीरोइन निर्मला है ना, उसकी एक सहेली कामनी, वो मर्दूत किशोर उसे भगा कर ले गया। तो आपकी बला से कामनी कौन होती है आपकी? ओए ओए ओए, अभी यह बच्चा अकल का कच्चा जी। कामनी के जाने से निर्मला बहुत परेशान, बहुत परेशान है। थिएटर में दिल लगा के काम नहीं करती, वल्ला हमारा बहुत नुकसान होता है। आप घबराते क्यों हैं अब्दुल रहमान साहब? किशोर है खूनी, पुलिस उसकी तलाश में, एक रोज वो जरूर पकड़ा जाएगा। वल्ला वो मुबारक दिन कब आएगा जब मर्दूत को फांसी होगी जी। मेरा मतलब है उस मर्दूत को। आइए आइए आइए, इस खुशी में मैं आपको एक प्याला कावा पेश करूँ, खालिस अरबी कावा। सुनिए, फिर किसी रोज आपके कावे का लुत्फ उठाऊंगा। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानिएगा? बेशक बेशक। आप अरबी हो तो वो इतनी अच्छी हिंदुस्तानी कैसे बोलते हैं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या वकीलाना सवाल किया है आपने। दरअसल हमारी वालदा हिंदुस्तानी थी। जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा तो अब्दुल रहमान साहब मुझे इजाजत दीजिए, फिर कभी हाजिर हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अब्दुल रहमान साहब मैं जवान जरूर लेकिन पेट का कच्चा नहीं, आप मुझे अपना ही आदमी समझिए। बेशक बेशक, मैं और आप मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। खुदा हाफिज़। तुम अकेले क्या कम हो जो मेरी भी जरूरत है भैया जी। कौन कौन है अंदर? बत्ती किसने जलाई? अरे कामनी तुम आ गई। अच्छा तो तुम हो जी। तुम्हारे कमरे में मेरे सिवा और कौन हो सकता है? लेकिन तुम किस दरवाजे से अंदर आए? जिस दरवाजे से तुम आई। ठहरो। तो इसका मतलब है तुम यहाँ पहले भी आते रहे? आया तो पहली बार हूँ लेकिन अब अक्सर आया करूंगा। घर देख लिया है ना? मुझे धोखा मत दो किशोर, मैं जानती हूँ तुम यहाँ पहले आ चुकी हो। तुम्ही ने कामनी को इस घर से भगाया है और आज उस खत की तलाश में आए हो जो कामनी भूल से यहाँ छोड़ गई थी। बड़े खूबसूरत इल्जाम लगा रही हो आज। मैं यहाँ उस खत की तलाश में क्यों आऊंगा जो मैंने कभी लिखा ही नहीं, और उस लड़की को मैं कैसे भगा सकता हूँ जिसे मैंने कभी देखा ही नहीं? मेरा कामनी से कोई वास्ता नहीं, मैं उसके बाप का खूनी नहीं हूँ। मुझ पर भरोसा करो, मैं मासूम हूँ, बेगुनाह हूँ निर्मला। लेकिन मुझे एतबार नहीं आ सकता किशोर। निर्मला तुम भी दुनिया के साथ हो गई। चलो अच्छा हुआ मैंने कामनी को भगाया, मैंने उसके बाप का खून किया है। चलो मेरे साथ पुलिस चौकी, मैं वहां अपने गुनाह का इकबाल करूंगा और तुम्हें मेरी गिरफ्तारी के लिए इनाम मिल जाएगा। जिन पत्तों पर तकिया था जब वही हवा देने लगे तो फिर इस जिंदगी से फांसी का तख्ता ही अच्छा। चलो किशोर, किशोर मुझे गलत न समझो, तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें सुनती हूँ। सारी दुनिया तुम्हें खूनी मुजरिम धोखेबाज समझती है, ये सुन सुनकर मेरा एतबार भी डगमगा जाता है। लेकिन लेकिन मैं दिल से तुम्हें ऐसे नहीं समझती किशोर, ऐसे नहीं समझती। अगर तुम्हारा दिल मेरे साथ है तो जबान की परवाह मैं नहीं करता निर्मला, लेकिन मुझे उस वक्त तक खामोशी और गुमनामी की जिंदगी बसर करनी होगी जब तक कि असली खूनी का पता न चल जाए। लेकिन असली खूनी का पता कब चलेगा? अब मुझे इस राज से पर्दा उठाने के लिए कोशिश करनी होगी। तो पहले क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे थे? सोचता था शायद मेरी जिंदगी की किसी को जरूरत नहीं, लेकिन अब तुम जो हो। रहते कहाँ हो आजकल? तुम्हारे थिएटर के पास एक छोटी सी गली में। अच्छा, लेकिन मैं दिन में नहीं निकलता, रातों को छुप छुपा कर बाहर आता हूँ। निर्मला एक काम करोगी? क्या है? मैं कल रात तुम्हारा खेल देखना चाहता हूँ। हाँ ना ना, किसी ने देख लिया तो? तुम इसकी परवाह मत करो, तुम बोस बाबू के नाम से एक सीट रखवा देना है? अच्छा हाँ, कल रात तक के लिए अलविदा। बोस बाबू।
वीरा, ये बंगाली जरूर किशोर था, इसलिए पुलिस को देखकर भाग गया। चलो। जान बची। बस ये यकायक आपको क्या हो गया? बिजली का तार छू गया। शुक्र है कि किशोर पुलिस से नजर बचाकर भाग गया। बस अगर वो पकड़ा जाता तो हमारी तमाम परेशानियां दूर हो जाती। इडियट, अगर किशोर पकड़ा जाता तो मुकदमा कोर्ट में जाता और भाग मुमकिन था कि राज खुल जाता। आप तो फ्रॉम क्वार्टर भी, जब तक कामनी हमारे कब्जे में है आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हीरा, क्यों ना किशोर को भी अपने कब्जे में कर लिया जाए? जब तक किशोर आजाद है चैन का सांस नहीं ले सकते। दीवारों की भी कहानी, आप अरब से मिलिए, मैं आपका गाड़ी में इंतजार करता हूँ। कामनी हमारे कब्जे में है, जब तक किशोर आजाद है चैन का सांस नहीं ले सकते। आखिर मामला क्या है? लेकिन किशोर ने मुझे क्यों नहीं बताया? खैर कोई बात नहीं, मैं राज ही से सब पता चला लूं। अच्छा तो उस बिजनेस के बारे में क्या ख्याल है? ये तो आज ही फैसला कर लिया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, शेर मर्द है आप, ऐसी खतरनाक बात और इस तरह खुल्लम खुल्ला, ना बाबा ना। अब्दुल रहमान साहब, आखिर बात करने में हर्जी क्या है? ओए 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 ओए, अभी आप बच्चा अकल का कच्चा। अरे बाबा, ये थिएटर है थिएटर, हम आपके दौलत खाने पर आकर बात करेगा, आपको कोई एतराज तो नहीं? शर्मिंदा कर रहे हैं आप, आपकी तशरीफ आवरी पर और मुझे एतराज? वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। शुक्रिया शुक्रिया, हम सोचा आपका बेगम शायद पर्दा वर्दा करता होगा। अरे साहब, यहाँ बेगम ही नहीं तो पर्दा कैसा? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, कवारे हो अभी तक? अम्मा ये उम्र और ये सब्र, ओफरीन ओफरीन, हम कल रात को हाजिर हो जाएगा। ज़हे किस्मत, मैं आपका इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अम्मा सुनिए, एक बात का ख्याल रखना। फरमाइए। मैं घास पास नहीं खाता। ओहो, गोश्त खोरू गोश्त खोर, ज्यादा तकल्लुफ की जरूरत नहीं, बस एक आध दर्जन चूजा, दो चार बतख, दो तीन दर्जन तीतर बटेर काफी होंगे। अब्दुल रहमान साहब, अपने हिंदुस्तानी मेजबान को शर्मिंदा ना कीजिए, शायद आप नहीं जानते आपका ये खादम इतनी चीजों का तो नाश्ता करता है। हाय, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जूता कहेगा, उमर भर तो मेरे साथ एक थाली में मूंग की दाल खाता रहा पर अब मुर्गियों का नाश्ता करता है। ओ राज, तुम नहीं मिलते तो बरसों नहीं मिलते, और मिलने पर आते हो तो हफ्ते में दो दो बार। तो क्या थिएटर देखने आए थे? सिर्फ मैं ही नहीं, किशोर भी आया था। आया था तो मेरी बला से। हाँ, तुम्हारी बला से? हाँ क्यों नहीं, अब वो एक कातिल ठहरा, कौन प्यार करेगा उससे? क्या कहा, प्यार और किशोर से? ओ राज, मुझसे आंख चुराने का अच्छा बहाना निकाला तुमने। बहाना? तो क्या मेरे टुकड़ा देने पर भी तुम मुझसे प्यार करती हो? मेरे जीते जी ये क्यों पूछते हो? जब तुम्हारी याद में घुल घुल कर मर जाऊंगी तो फिर अपने आप पता चल जाएगा। नहीं नहीं निर्मल, ऐसे अल्फाज अपने जबान से मत निकालो, मैं तुम्हें कुछ और ही समझा था, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अभी तक अकेला हूँ, पर मुझे तुम जैसे साथी की जरूरत है। और राज, जी चाहता है तुम बार बार यही कहते जाओ लेकिन दुनिया सुनकर जल जाएगी। तो मैं तुमसे कब मिल सकती हूँ? कल? नहीं नहीं, परसों मूनलाइट क्लब में। तो क्या कल का दिन और तड़पाना चाहती हो? तुम नहीं जानती निर्मल, कल मेरे यहाँ कोई खाने पर आ रहा है, मैं वादा कर चुका हूँ। अच्छा तो फिर परसों ही से। निर्मल आज मैं बहुत खुश यहाँ से जा रहा हूँ, और परसों मैं बहुत खुश खुश वहां आऊंगी। बाय निर्मल। बाय। बाय। बस आप, ये आपका दौलत खाना है या बैराम डाकू का घर? ये जगह पसंद नहीं आई आपको? अजय हमें बेहद पसंद है, बेहद, हमारे बिजनेस के लिए इससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती? क्या पुलिस तो पुलिस, हमारी आवाज खुदा के कान तक भी नहीं पहुंच सकती। कहिए क्या ख्याल है? ख्याल आपका बहुत ठीक है। अब्दुल रहमान साहब, अब कुछ कारोबार के मामले में बातचीत हो जाए। ओए ओए ओए, अभी आप बच्चा अकल का कच्चा जी, राज की बात और इस मर्दूत के सामने, वल्ला ये तो सूरत से ही शैतान का बरखुदा नजर आता है। अब्दुल रहमान साहब, ऐसा तो मत करिए ना। मेरे दोस्त, ये मेरा खास एतबार का आदमी, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा तो आपकी स्कीम क्या है? वल्ला पूछता है स्कीम क्या है, सोने की कान है सोने की। मैं अपनी महबूबा दिलनवाज भाई की कसम खा कर कहता हूँ,
कि अगले महीने चांद की पहली तक आपकी अलमारी में 10 लाख रुपया होगा। 10 लाख? हाँ 10 लाख। 10 लाख? ओए 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 ओए, बड़े छोटे दिल के आदमी मालूम होते हैं आप। 10 लाख सुनते ही होश गायब हो गए। अजी हजरत, ये तो कुछ भी नहीं। एक साल बाद आपका शुमार करोड़पतियों में होगा। ये तो आपकी नवाजिश है अब्दुल रहमान साहब, वरना मैं तो आपके पाँव के खाक भी नहीं। बेशक बेशक। लेकिन कारोबार क्या होगा? अरे वही कारोबार। कौन सा? नहीं अब्दुल रहमान साहब, इसमें तो बहुत खतरा है। ओए ओए ओए, तुम खतरे से डरता है? लाखों भी लाखों बार। ये तो अली बाबा का दरवाजा है। अब्दुल रहमान साहब, या परवरदिगार, हम न जानते थे कि आपने शरम में बुलबुल भी पाल रखी है। वल्ला आप इस का शौक भी फरमाते हैं। अब्दुल रहमान साहब, चलिए। खुदा नजरे बच से बचाए, क्या सूरत है। चीन की तोती है चीन की। अरे वाह रास्ता वाह। जी नहीं, इनका नाम राज नहीं किशोर है। किशोर जी नहीं, ओ किशोर किशोर। अब्दुल रहमान साहब चलिए। हाँ चलिए किशोर साहब। खुदा कसम अकल तंग रह गई। राज साहब जी, ये बताइए कामनी यहाँ कैसे पहुंच गई? लेकिन आप कामनी को कैसे जानते? निर्मला ने हमें कामनी का फोटो दिखाया था, और फिर उसके बाप के खून के सिलसिले में उसका नाम और फोटो रोज अखबार में छपता है। ओ, ये बात है। यही बात है अब्दुल रहमान साहब। अब आपसे क्या छुपाना, जैसे आपकी दिलनवाज बाई वैसे ही मेरी कामनी। मेरा मतलब ये है कामनी मेरी महबूबा है। ओए ओए ओए, तो क्या महबूबा को कैद में बंद किया जाता है? अब्दुल रहमान साहब, आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? शक नहीं, आज मुझे यकीन हो गया कि किशोर के नाम से तुमने कामनी को खत लिखा, तुमने उसे भगाया, तुमने उसे यहाँ लाकर कैद किया, और तो और कामनी के बाप का खून भी तुमने किया। उन्हीं किशोर नहीं तुम हो। खामोश, तुम खामोश। जबान से एक लफ्ज़ निकलो तो यही चढ़ना कर दूंगा। राज साहब, हम शेर का बच्चा है, गोली वोली की धमकियों से नहीं डरता। तुम नहीं जानता हमने अपने उम्र में 12 खून किया। क्या समझा? 12 खून? 12 खून। तुम्हारी तरह हमारा भी असली नाम अब्दुल रहमान नहीं बल्कि आराम खान है। क्या समझे? आराम खान। अब्दुल रहमान साहब, अब आपसे मिलकर दिली खुशी हुई। हमें भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि तुम भी हमारी तरह शेर का बच्चा है। हमारा तुम्हारा एक स्टोरी, फिर से मिला हुआ। अब्दुल रहमान साहब, अब मतलब की बात पर आ जाइए। कहिए ये कारोबार कब से शुरू किया जाए? राज साहब जी, हम दोनों किसी को नहीं मानते है ना? जी हाँ। बल्कि जमीन पर ऐवान के एजेंट हैं, है ना? जी हाँ। ऐवान ने हमसे कह रखा है कि जब कभी भी किसी नए आदमी के साथ कारोबार करो तो अपना एक खास राज उसे लिख कर दो और एक राज उससे लिखवा दो। लेकिन इससे क्या फायदा? फायदा साफ जाहिर है। अगर आपने मुझे धोखा दिया तो मैं आपका राज फाश कर दूंगा, और अगर मैंने आपसे दगा की तो आप मुझे सूली पर चढ़वा दीजिए। मंजूर है? मंजूर है? जी हाँ मंजूर है। तो लाइए कलम और कागज। अब्दुल रहमान उर्फ आराम खान। आराम खान राजकुमार उर्फ जी। उर्फ कुछ नहीं, खून का पूरा किस्सा है ना? जी हाँ। उसी खून का जी अपना किस्सा ही है। अजी साहब, हमारे तो 12 किस्से हैं, ये लीजिए। राज साहब जी, इसे एक कारोबारी तकल्लुफ समझना। अल्लाह ताला हम दोनों को पुलिस की नजरें बस से बचाए। आमीन आमीन। अच्छा तो मैं रुख सक चाहता हूँ। बस ये क्या किया आपने? अपने हाथों अपनी मौत को दावत दे दी। हीरा, सौदा बराबर का है। अगर मेरी जान उसकी मुट्ठी में तो उसकी जान भी मेरे हाथ में, और फिर मैं कच्ची गोलियां नहीं खेला। तुम देखना 48 घंटे के अंदर वो काला लिफाफा मेरे कब्जे में होगा। क्या हुआ? भगवान भी कैसे कैसे बुद्धों को तख्त पर बिठा देता है। यही तो दुख है। तुम्हारे सामने सूरत में वो जोकर, अकल में वो उल्लू, लेकिन किस्मत है कि जागीर का हकदार बना बैठे। निर्मल, जो बात किस्मत बनाने वाला ना देख सका वो तुम्हारी आंखों ने देख ली। लानत है मुझ पर जिसने अपनी जिद्दी माँ के कारण तुम जैसी खूबसूरत अकलमंद और दर्दमंद लड़की का हाथ ठुकरा दिया, और आफरीन है तुम पर कि तुम फिर भी मेरी मोहब्बत का दम भरती रही। राजू, भगवान जो करता है भले ही के लिए करता है। वो तो है। तुमने अपनी माँ के कारण मुझे ठुकरा कर मेरी जिंदगी बना दी। वो कैसे? अब पता चला कि
दुनिया में दर्दमंद दिल और खूबसूरत चेहरे से बड़ी चीज दौलत है। दौलत न मुझे ये सबक मिलता, न मैं उस अरब के खेते में नौकरी करती, न मेरा इतना नाम होता, न इतनी शोहरत होती, और न ही दोबारा तुमसे मुलाकात होती। मुझसे मुलाकात? निर्मल, मैं क्या चीज हूं? हीरा अपनी कदर क्या जाने। राजू, औरत जिंदगी में एक बार प्यार करती है, बस एक बार, और तुम ही मेरा पहला प्यार हो। निर्मल, मर्द आज तक औरतों को बेवकूफ समझते रहे, लेकिन मैं पहला दुनिया का मर्द जिसने ये समझा है कि मर्द उल्लू का पट्टा होता है। मैं आज तक इसी वहम में था कि उस अरब की दौलत की चमक ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया होगा और तुम उस अरब अब्दुल रहमान के अब्दुल रहमानिया बन चुकी होगी। मेरे प्यार को गाली मत दो राजू, मेरी हिंदी प्लीज सलामत रहे, मैं अरबी मोहब्बत क्यों करने लगी। जिंदाबाद निर्मल, लेकिन ये तो बताओ उस अरब की असलियत क्या है? लोग कहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है। हो सकता है राज। साफ साफ कहो, तुम तो उसकी हीरोइन हो। ओह, वो तो मैं हूँ राजू। देखो, मुझसे कुछ छुपाओ नहीं। तुमसे भला क्या छुपाऊंगी, और अब तो तुम्हारा भी जिगरी दोस्त है। वो तो है, लेकिन तुम अपने राजू को इस तरह अंधेरे में नहीं रह सकती। कहो, वो अरब है क्या चीज? चीज तो बड़े काम की है राजू, लेकिन ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी। मेरा ख्याल है कि वो एक मोम्मा है। मोम्मा? हाँ, कल रात ही की बात है कि वो बहुत देर से लौटा, और वो भी चोरी चोरी। चोरी चोरी? हाँ, और आते ही सीधा अपने कमरे में दाखिल हुआ और अलमारी को खोला। लेकिन इन सब बातों का तुम्हें कैसे पता चला? ओ, मुझे, मैं साथी के कमरे में अपने डायलॉग याद कर रही थी। अलमारी खोलने की आवाज सुनते ही मेरा माथा ठनका, मैंने झांक कर देखा तो क्या, वो खुली हुई अलमारी के सामने अरब खड़ा था, और जानते हो उसमें क्या था? क्या था? बेशुमार नोट, जेवरात और कागजात बिखरे पड़े थे। तो क्या ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ हाँ। निर्मल, क्या वहाँ कोई काला लिफाफा भी था? काला लिफाफा? ओ हाँ हाँ, काला लिफाफा तो था, लेकिन तुम्हें उससे क्या मतलब? ऐसी कोई बात नहीं, उस काले लिफाफे में हम दोनों के कारोबार का एग्रीमेंट है। लेकिन तुम दोनों मिलकर कौन सा कारोबार कर रहे हो? कारोबार कोई भी हो, मतलब तो दौलत कमाने से है दौलत, जैसे कि तुम कह चुकी हो। क्या? यही कि दुनिया में दर्दमंद दिल और खूबसूरत चेहरे से बड़ी चीज दौलत है दौलत, और वो दौलत मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कमाना चाहता। मुझे नहीं चाहिए दौलत। क्यों? मेरी दौलत तो तुम हो। ओह। अच्छा राजू, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। फिर क्या हुआ? वो अरब है ना, वो बड़ा शक्की आदमी है, देर हो जाने पर अजीब किस्म के उल्टे सीधे सवाल पूछ बैठता है। नौकरी का मामला है, मैं जाती हूँ। निर्मल, क्या दिल से जाना चाहती हो? दिल तो यहाँ छोड़ के जा रही हूँ राजू। निर्मल, जरा रुक रुक के, जरा थम थम के, शादी की रोज। बाय 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 बाय। सब पता चल गया, वो काला लिफाफा अरब की अलमारी में, और अलमारी उसके कमरे में। कल तक वो लिफाफा मेरे पास होना चाहिए। बॉस, लिफाफा तो क्या, कल तक अलमारी की अलमारी आपके पास हो। हीरा, जिंदाबाद। आओ। निर्मला, जिंदाबाद। आओ। यही है वो लिफाफा। ये लिफाफा मुझे दे दो। देता हूँ, लेकिन देते हो कि नहीं? तुम कौन हो? मैं? तुम्हारी तरह मैं भी एक डाकू। डाकू? हाँ। तो ये लिफाफा लेकर तुम क्या करोगे? अपनी जान की सलामती चाहती हो तो ये लिफाफा फौरन मुझे दे दो। चलो 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 चलो। देखो दोस्त, बात ऐसी है, ये चालबाजी यहाँ नहीं दोस्त, आज मेरा दिन है, समझे? चलो। दोस्त, क्या है? हम एक ही बरादरी के हैं। हाँ हाँ। इतनी खुदगर्दी मत दिखाओ, ये लिफाफा। बस बस करो, चलो गिर आओ, निकल जाओ।
तो मेरा किशोर खूनी नहीं है, असली खूनी राज है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा किशोर खूनी नहीं है, मेरा किशोर खूनी नहीं, मेरा किशोर खूनी नहीं। अब्दुल रहमान साहब, भगवान का, वरना ये किराए पर पानी खरीद गया था। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, जल्दी में ताला लगाना ही भूल गया। अरे वाह रे मेरी प्यारी दारी, तू कब तक मेरे मुंह पे चिपकी रहेगी? अच्छा, तुम मुझे से नाटक खेल रहे थे किशोर? तीनों मेरे पास रहकर भी मुझसे इतनी दूर रहे? राज साहब, मेरे तो पांव तले से जमीन निकल गई। ऐसा क्यों? हम समझा कोई पुलिस वाली साथ धमकी होगी। अब्दुल रहमान साहब, भाई साहब हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। हमारे दिल में ये शक पैदा हुआ कि शायद आपने हमारा काला लिफाफा पुलिस के हवाले कर दिया होगा। अब्दुल रहमान साहब, हम हिंदू हैं, सच्चाई हिंदू का ओढ़ना और बिछौना होता है। मैं तो यहाँ सिर्फ ये देखने आया था कि कहीं आपने मेरा काला लिफाफा पुलिस के हवाले तो नहीं कर दिया। ओए ओए ओए, हम क्या शैतान का बच्चा है जो एक दोस्त का राज पुलिस के हवाले कर देगा? अब्दुल रहमान साहब, भगवान गवाह है, मैं तो आपको फरिश्ता समझता हूँ। वल्ला बड़े भगवान दास हो तुम भी। अब तशरीफ रखो। अब्दुल रहमान साहब, अपने कारोबार का क्या हुआ? क्या अर्ज करूँ भाई साहब, ये जालिम पुलिस वाले भी परले दर्जे के होशियार होते हैं। न जाने मशीन की आमद का इन खुदा के नेक बंदों को कहां से पता चल गया? पता चल गया? बाप रे, तो मारे गए। अब्दुल रहमान साहब, अब क्या होगा? अकल कुछ काम नहीं करती साहब। अलबत्ता एक रास्ता हो सकता है। फरमाइए। मशीन की डिलीवरी बम्बई में न ली जाए, बल्कि उसे दूर दराज समंदर के किनारे किसी गुमनाम जगह पर उतारा जाए। इसमें क्या मुश्किल? अपना जहाज हमारे जागीर बेलापुर में ले आइए। बेलापुर? जी हाँ। तो क्या वह समंदर के करीब है? हाँ बिल्कुल, और मैं अपने मामा जी से कहकर आपके थिएटर को बेलापुर आने का दावतनामा भी भिजवा दूंगा, जिससे किसी को शक भी ना होगा। ओए ओए ओए, अब यह बच्चा अकल का कच्चा, जरा ये तो सोचिए कि बेलापुर का जागीरदार अपने बेटे के गुम हो जाने के बाद क्या थिएटर वेटर देखेगा? जिस आदमी का इकलौता बेटा खून के सिलसिले में भागा भागा फिरता हो, क्या उसे रंग रलिया मनाते हुए शर्म ना आएगी? अब्दुल रहमान साहब, मैंने भी कुछ सोच समझ कर बात की। आप देखेंगे कि मेरे मामा जी की तरफ से दावतनामा आएगा। ये आप जाने और आपके मामू, मगर ये सोच लीजिए बेलापुर के चारों तरफ पुलिस का पहरा है ना? जी हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि किशोर की तलाश करते करते पुलिस की नजर इस गरीब अरब पर पड़ जाए, हाथ से वो कीमती मशीन भी जाती रहे और बाकी जिंदगी हवा लात में कटे। अब्दुल रहमान साहब, आप अपने इस कदम पर भरोसा रखें, आखिर बंदा किस मर्ज की दवा है? मिस्टर डिसूजा, गोल्ड स्मगलर्स का एक बहुत बड़ा गैंग इस शहर में मौजूद है और उस गैंग का लीडर एक खानदानी लड़का है। इज इट? यस। और मुझे खास जरिए से ये भी पता चला है कि वो सिर्फ सोने की चोरी नहीं बल्कि औरतों की इज्जत पर भी डाका मारता है। डिस्ग्रेस। मिस्टर डिसूजा, मैं काफी दिनों से इस गैंग की तलाश में हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं जरूर कामयाब होऊंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। है मेरी माता जी। अम्मी जान। अब्दुल रहमान, मेरे मामा जी, क्या कर रहे हैं आप? क्यों साहब, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई? गुस्ताखी तो कोई नहीं, लेकिन अब्दुल रहमान साहब आप हमारे मेहमान हैं, आपके पांव हमको छूने चाहिए। देखा राज साहब, आपके मामू मेरी नस्ल को गाली दे रहे हैं। जागीरदार साहब, आप मेरे दोस्त के मामू हैं और किसी भी दोस्त के मामू की मेरे दिल में उतनी ही इज्जत होनी चाहिए जितनी कि मुझे अपने बाप के लिए हो सकती है। मामा जी, देख क्या अखलाक है मेरे दोस्त का। हाँ बेशक बेशक, अब्दुल रहमान साहब
आपने एक मुसलमान होकर भी हिंदुओं के रस्म और रिवाज के मुताबिक मेरे पहुंच हुए। आज से आप मुझे उतने अजीज हैं जितना कि मुझे अपना बेटा किशोर। दुर्गा बहन देखा देखा दुर्गा बहन, दुनिया में इंसानियत है अभी। बेटा राज जी, अपने मेहमान के खाने पीने का इंतजाम करो। हाँ मम्मी। बच्चे के बगैर त्योहार तो क्या बेटा, खाना पीना हराम हो गया है। तो बेटा राज ने जिद की कि ये दशहरे का त्योहार जरूर मनाया जाए, क्योंकि ये त्योहार किशोर को बहुत पसंद था। और फिर कौन जाने ये दशहरे का त्योहार हमें हमारे बच्चे से मिला दे। अब्बा जान, क्या वाकई आपका बेटा किशोर ये गुनाह है? क्या कहो तुमसे बेटा, काश तुम मेरे बच्चे से वाकिफ होते और ये जानते कि एक अमीर का बेटा भी गरीबों का हमदर्द हो सकता है। अब्दुल रहमान, अमीरी में फकीरी अगर किसी ने की है तो मेरे बच्चे ने ही की है। फिर तुम ही कहो कि ऐसा नेक दिल बच्चा किसी का क्या खून करेगा। अम्मी जान, क्या आपका भी ऐसा ही ख्याल है? बेटा तुम मेरे भतीजे को नहीं जानते, लाखों में एक है, लाखों में राज मेरी अपनी औलाद है। लेकिन मैं तुमसे कहती हूँ, मेरा भतीजा मुझे मिल जाए तो मैं उसके लिए अपनी औलाद भी कुर्बान कर सकती हूँ। अम्मी जान, माँ बाप को औलाद बहुत प्यारी होती है। बेटा बुरा हो या भला, आखिर दिल की ठंडक होता है। सच कहते हो, मेरा बच्चा सिर्फ मेरी आंखों का नूर नहीं, जुदाई में यहां का हर बच्चा बुरा तड़प रहा। सुना, ये वही गाना है जिसे मेरा किशोर बच्चों से मिलकर गाया करता था। अब्बा जान, अगर आपकी बात में जरा सी भी सच्चाई तो मेरा खुदा और आपका भगवान आपको अपने बेटे से जरूर मिलाएगा, जरूर मिलाएगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। बैठिए आप लोग, बैठिए।
कितनी हसीन, कितनी दिल फरेब, मौज दरिया कहूं या बादे सबा, ऐ चांदनी में नहाए हुए मरमर के तराशे हुए हसी जिस्म, मैं पूछ सकता हूं कि तू कौन है? ऐ झूठी दुनिया के रहने वाले इंसान, मैं सच्चाई की रूह हूं। ऐ सच्चाई की पाकीज़ा रूह, तू तो आसमानी चीज है, फिर तो जमीन पर आकर इस तरह उल्टी क्यों लटकी हुई है? जब तभी इस दुनिया में इंसाफ का खून बहाकर बेइंसाफी का पौधा सींचा जाता है तो मेरा दिल तड़प उठता है। मैं बेफरार होकर आसमान से जमीन पर इंसाफ का उजाला फैलाने आती हूँ, लेकिन इस झूठी दुनिया के झूठे बंदे बर्फियों नेजों और तलवारों से मुझे निशाना बनाने पर उतर आते हैं। ऐ रहम दिल इंसान, अगर तू सच्चाई का कायल है, अगर तुझे हकीकत से प्यार और झूठ से नफरत है, तो क्या तुम मेरा मददगार बनेगा? कसम है तेरे हुस्नो जमाल की, कसम है तेरी पाकीज़गी की, मैं तेरा साथ दूंगा। आखिर मालिक ने ये दो हाथ इंसान को किस लिए दिए हैं? इसलिए नहीं कि वो इन दो हाथों से इंसाफ, शराफत और इंसानियत की कब्र खो दे, बल्कि इसलिए कि वो इन हाथों से अपनी और अपने से बढ़कर दूसरों की मदद करे। आफरीन, आफरीन। हाल तुझे अपनी दुनिया का नजर तो आता होगा, नजर तो आता होगा। मालिक तू भी इसको बनाकर अब पछताता होगा, अब पछताता होगा। सच्चाई के महल ढेर हैं, झूठ के घर आबाद, सोच के क्या रखी थी तूने दुनिया की बुनियाद, सोच के क्या रखी थी तूने दुनिया की बुनियाद। मुझको यकीन है दिल ही दिल में तू शर्माता होगा, तू शर्माता होगा। हाल तुझे अपनी दुनिया का नजर तो आता होगा, नजर तो आता होगा। नफरत इस दुनिया का तोहफा, उल्फत एक इल्जाम, झूठ यहाँ की सुबह हकीकत इस दुनिया की शाम, झूठ यहाँ की सुबह हकीकत इस दुनिया की शाम। बोल तुझे क्या अपने किए पर दहशत आता होगा, फैशन आता होगा। हाल तुझे अपनी दुनिया का नजर तो आता होगा, नजर तो आता होगा।
शैतान, ये क्या किया तूने? अफसोस, इस दुनिया से सच्चाई की रोशनी उठ गई। आज इस दुनिया पर झूठ के अंधेरे ने कब्जा कर लिया। ऐ सच्चाई की अमर आत्मा, तुझे हम सबका सलाम। ऐ हकीकत, इस जहाने फानी से तेरा खाकी जिस्म उठ गया। झूठ के पुजारियों और अंधेरे के परस्तारों ने तेरा बदन तीरों से छलनी कर डाला, लेकिन जिस तरह इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, उसी तरह किसी का खून भी छुपाया नहीं जा सकता। जो चुप रहेगी जबाने कातिल, लहू पुकारेगा आसती का। ऐ सच्चाई की देवी, मैं तुझसे एक सवाल करता हूं। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जबा अब तक तेरी है। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म जबा की मौत से पहले। बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कहले। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ऐ सच्चाई के मतलाशी, ऐ हकीकत के पुजारी, इस दुनिया में तू अकेला इंसान है जिसने मुझे पहचाना। पूछ, मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगी। ऐ मुकद्दस रूह, मैं जानता हूँ जैसे हवा को कोई इंसान छू नहीं सकता, चांद सूरज की रोशनी को अपने कब्जे में नहीं कर सकता, पर्वत से फूटते हुए झरनों के संगीत को रोक नहीं सकता, उसी तरह कोई तेरा खून नहीं कर सकता। ऐ मुकद्दस रूह, मुझे सिर्फ इतना बता, तू इस दुनिया में किसका रूप बदल कर आई थी? किस मिट्टी के पुतले में तूने बसेरा किया था? वो जिस्म जिसकी तू आत्मा थी, उसका नाम क्या था? ऐ खुदा के नेक बंदे, मैं खुश हूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो अंधेरे से पर्दा उठाना चाहता है, जो अपनी जान पर सदमे सहकर खुदा की मखलूक भगवान के बंदों की भलाई चाहता है। ऐ जमीन के फरिश्ते, आज मैं तुझे अपना असली नाम बताती हूँ। इरशाद, इरशाद। आज से 6 महीने पहले इस दुनिया में एक गरीब इंसान था। किस्मत ने उसे गुर्बत भी दी थी और शराफत भी, वो भी तेरी तरह सच्चाई की शमा पर मर मिटने वाला एक इंसान था। लेकिन लेकिन जब उसने सच्चाई को जानने की कोशिश की, तो झूठ ने उसे अपनी गोली का निशाना बना दिया। कौन था वो बदकिस्मत इंसान? वो एक रहम दिल बाप था, जो अपनी इकलौती बेटी की इज्जत के मोती को चोर होने से तो न बचा सका, लेकिन लेकिन अपनी जान खो बैठा। लेकिन उसका नाम? उसका नाम, उसका नाम था रौनकलाल। रौनकलाल? और रौनकलाल का खूनी आज इसी महफिल में मौजूद है। क्या? मैं कहता हूँ बंद करो ये नाटक। राजबाबू, मत भूलिए कि हम आपके मेहमान हैं, और फिर आपके बुलावे पर हम यहाँ नाटक खेलने आए हैं। तो क्या इसे नाटक कहते हैं? तो फिर मान जाइए कि ये सच्चाई है। तो फिर खूनी का नाम क्यों छुपाया जा रहा है? खूनी की सूरत जो सामने मौजूद है, फिर नाम की क्या जरूरत? क्या? मेरा राज और खूनी? भैया क्या कह रही हो लड़की, क्या राज ने रौनक लाल का खून किया है? मामा जी, मैंने रौनक लाल का नहीं, बल्कि इस भैया लड़की के दिल का जो खून किया था, ये वही लड़की है जिसे मम्मी ने मेरे रिश्ते के लिए नापसंद किया था। मेरे पाँव की टुकराई हुई लड़की अभी सूरत में हमारे खानदान से इंतकाम लेने आई है। लेकिन आप बेफिक्र रहिए मामा जी, मैं इस लड़के को अपने खानदान की इज्जत से नहीं खेलने दूंगा। राजबाबू, आपके खानदान की इज्जत मुझे आपसे ज्यादा प्यारी है। मैं इस घराने की इज्जत को मिटाने नहीं बल्कि बढ़ाने आई हूँ। वाह वाह, इज्जत बढ़ाने का ये अच्छा तरीका निकाला है कि मेरे भांजे पर खून का इल्जाम लगाओ। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है लड़की? सबूत अभी मिल जाएगा आका, सबूत पेश कीजिए। सबूत? मेरे पास कोई सबूत नहीं। क्यों नहीं? राजबाबू के हाथ का लिखा हुआ बयान जो आपके पास है, निकालिए। मुन्नी निकालिए, वरना मैं खुद निकालती। मुन्नी आका, ये रहा वो बयान। ये क्या? भैया क्या लिखा है इसमें? घबराओ नहीं बहन, ये तो बिल्कुल कोरा कागज है। कोरा कागज? भैया
ए लड़के, तुम्हारी ये मजाल के एक शरीफ घराने के लड़के पर कीचड़ उछालो। मामा जी, चांद पर थूकने से अपना ही दामन गंदा होता है। एक तरफ तो ये निर्मला है जो मोहब्बत में मायूस होकर इस कमीनगी पर उतर आई, और दूसरी तरफ ये बाजारी औरत जो अपना पेट पालने के लिए होटलों के चक्कर लगाती है। अब समझी, ये त्रिया चरित्र मेरे बेटे का बदनाम करने के लिए था। आपने सिर्फ त्रिया चरित्र का लफ्ज सुना है लेकिन कभी देखा नहीं। अब देखिए, ये है वो असली बयान। भैया देखो तो इसमें क्या लिखा है। बहन, ये तो राज के हाथ का लिखा हुआ बयान है। क्या लिखा है? जिसमें राज ने ये कबूल किया है कि रौनक लाल का खूनी किशोर नहीं बल्कि खुद राज है। राज? राज। जरा सोचिए तो, कोई खूनी अपने हाथों से ऐसा बयान लिखकर दे सकता है? लेकिन राज बेटा, कागज तो तुम्हारे हाथ का लिखा हुआ है, वही दस्तखत, वही तहरीर, आखिर ये माजरा क्या है? मामा जी, माजरा क्या खाक होगा? अगर मैंने रौनक लाल का खून किया होता तो क्या मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए इस नाटक मंडली को यहाँ बुलाता? काश, काश आज मेरा भैया किशोर यहाँ होता तो आप सबको बताता कि इन लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की। किशोर, किशोर कहीं से आ जाओ और आकर मेरी इज्जत बचा लो। आ जाओ किशोर, आ जाओ, तुम्हारे भैया की जान खतरे में है। लेकिन तुम भी गजब करती हो निर्मला, किशोर है कहाँ जो तुम्हारी पुकार सुनकर यहाँ आ जाएगा? अगर मेरी पुकार में सच्चाई है तो किशोर जहाँ भी होगा यहाँ चला आएगा। राज बाबू, वो आ रहा है, किशोर आ रहा है। तुम तो दीवानी हो गई हो, कहाँ है किशोर? तो मेरे आका, तुम भी उसे देखना चाहते हो? देखो आज अपनी आंखों अपना जलवा देख लो, देखो वो देखो। नहीं, ये क्या हरकत है? ये हरकत नहीं, शरारत है। निर्मला जी, मेरे आका। किशोर, किशोर मेरे बच्चे। किशोर बेटा। भैया जी, अभी वक्त है, भाग निकलो। किशोर पहले मुझसे तो मिलने, मेरे बच्चे मुझसे मिलने, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, तुझे मेरे बुढ़ापे पर भी रहम ना है। जब तुम निर्दोष थे तो फिर भागने की क्या जरूरत थी? पिताजी हालात ही कुछ ऐसे थे, राज भैया ने। किशोर नहीं नहीं, मैं अपनी जबान से कुछ नहीं कह सकता पिताजी। मिस्टर राज, बॉम्बे पुलिस ने आपके नाम गैर मुल्कों से गोल्ड स्मगल करने और इन दो आदमियों को जबरदस्ती अपनी हिरासत में रखने के जुर्म में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। वहीं खड़े रहिए, वरना। वरना क्या होगा? वरना मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ेगी। आप चलाइए गोली। राज, उस दिलों की तरह निर्मला की आड़ न लो, राज को छोड़ दो, सामने आ जाओ। तो क्या माँ भी अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेलना चाहती है? मिस्टर राज, बहुत देर हो चुकी, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। याद रखिए, मेरी तरफ अगर एक कदम भी बढ़ाया तो मैं निर्मला का खात्मा कर दूंगा। उससे पहले तेरे खून से मैं अपने हाथ ना रंग लूंगी। दुनिया ने जहां माँ की ममता देखी है वहां माँ का सबर भी देख ले। तू भी। मंडप, मंडप को चारों तरफ से घेर लो, मुजरिम और उसके साथी भाग लेने पाए। जल्दी जल्दी करो। हेलो, इमरजेंसी? हाँ, पुलिस हेडक्वार्टर। यस यस यस। वाह, क्या माँ के दूध का हक अदा किया है तूने। मारना है तो अपने हाथ से गोली चला, वैसे भी मर जाता तो मेरी चिता को आग तूने ही देनी थी। चला गोली चला, खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चला गोली चला। बस, मौका बड़ा नाजुक है, अगर माँ के आंसू को देखा तो अपनी जान खो बैठोगे। चुप रह कमीने कुत्ते। गुड़िया तेरी। दो महीने तो और इंतजार किया होता मैं। माँ। राज। अरे रे, हे भगवान, मैंने कैसे कपट को जन्म दिया, मेरे खून को गाली दी है, मेरे पुरखों को गाली दी है, मेरे पुरखों को गाली दी है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे सिर्फ इतनी प्रार्थना करती हूँ कि जब इस चंडाल को मौत की सजा मिले तो इसके गले में रस्सी डालने का मौका मुझे दीजिए, ताकि दुनिया देखे, दुनिया देखे कि एक माँ बुरे बेटे को जन्म दे सकती है तो वो अपने हाथों उसे मौत की नींद भी सुला सकती है।
मौत की नींद सुना सकती है। हैंड्स अप। भैया जी, किशोर, मुझे भैया कहकर इस पवित्र रिश्ते को गाली न दो। राजू बेटा, मामा जी, माँ, मैं जाने से पहले आपके पांव जरूर छूता, लेकिन खून में रंगे हुए ये नापाक हाथ मैं आपके पांव को नहीं लगाना चाहता। कामनी, मैंने तेरे बाप का खून किया और तूने मेरी माँ को बचाने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। इतना खूबसूरत इंतकाम। डॉक्टर साहब आइए। फूफी, मुझे तसल्ली ना दो बेटा, मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई गम नहीं बेटा। भैया, मैं ना कहती कि इस बार भी दशहरे का त्योहार हमारे लिए खुशी का संदेश लाएगा। बहन, खुशी किस बात की? एक आंख खुली और दूसरी चली गई। वो एक आंख ही भली भैया, जिसमें इंसान का प्यार और भगवान का डर हो। भगवान का डर। कामनी, तेरी आहुति खाली नहीं जाएगी। तेरी समाधि पर मैं इंसानियत का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊंगी। निर्मला, मेरी बच्ची, मैंने तुझे गरीब समझकर ठुकरा दिया था। अच्छा किया तूने जो मेरे गरूर की गर्दन तोड़ डाली। इंसान दौलत से नहीं अपने कर्म से बड़ा होता है। ले मेरी बच्ची, निर्मला, आखिर अंधेरे की हार और उजाले की जीत हुई। वो देखो, नई सुबह आशा का पैगाम लेकर आई। जो लोग आशा का दामन थामे रखते हैं, वो एक दिन जरूर मंजिल पर पहुंच जाते हैं। बेलापुर जागीरदार के सुपुत्र कुंवर किशोर कुमार और श्री चमनलाल लखपति की भतीजी कुमारी निर्मला के शुभ विवाह पर अब्दुल रहमान अरबी थिएटर के कलाकारों की तरफ से वर वधु का स्वागत। निराली है ये जुड़ी, बड़ी प्यारी प्यारी निराली है ये जुड़ी, कि देख देख गले